हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू साइन एजुकेशन चैनल टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थर्टीन ऑफ सेवंथ क्लास मैथ द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं सपोज करें आपने कोई नंबर लिखा फाइव इसके टॉप राइट साइड में आपने नंबर लिखा थ्री दिस थ्री इज द एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट और जो इसके नीचे नंबर है इसे क्या कहेंगे बेस दिस इज बेस और जो ये लिखने का तरीका है इसे हम क्या कहेंगे एक्सपोनशियल फॉर्म एक्स एक्सपोन्सियल फॉर्म इसे हम रीड कैसे करेंगे कैसे रीड करेंगे इसे नंबर फाइव रेस्ट टू दावर ऑफ थ्री फाइव रेज टू दावर ऑफ थ्री इट मीन्स फाइव मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ बट थ्री टाइम्स फाइव को हमें फाइव को मल्टीप्लाई करना है फाइव से ही फाइव को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स जितना एक्सपोनेंट गिवन है या थ्री है तो हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यदि एक्सपोनेंट टू होता तो हमें टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं फाइव वन टू थ्री मल्टीप्लाई कैसे रीड करेंगे अगेन फाइव मल्टीप्लाई इट सेल्फ बाई थ्री टाइम्स फाइव को हमें फाइव से ही मल्टीप्लाई करना है बट थ्री टाइम्स इज इट क्लियर एक्सपोनशियल फॉर्म क्या होती है जो ये लिखने का तरीका है दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये जो ऊपर नंबर है टॉप तो राइट साइड में दिस इज एक्सपोनेंट और जो नीचे नंबर है इसे हम क्या कहेंगे बेस नदर एग्जाम्पल लेते हैं टू रेज टू द पावर ऑफ फोर इसे हम कैसे रीड करेंगे दिस इज दिस इज़ एन एक्सपॉन्शियल फॉर्म यह क्या हो गई हमारी एक्सपॉन्सियल फॉर्म इसे हम कैसे रीड करेंगे टू रेज टू द पावर ऑफ फोर इट मीन्स टू मल्टीप्लाई इट्स एल्फ टू मल्टीप्लाई बाई इट्स एल्फ बट फोर टाइम्स टू को हमें फोर बार मल्टीप्लाई करना है टू से ही वन टू थ्री एंड फोर इज इट क्लियर दिस इज द एक्सपोनेंट एंड दिस इज द बेस रिका है इसे हम क्या कहेंगे एक्सपोनसियल फॉर्म कहेंगे और कैसे रीड करेंगे टू द पावर ऑफ फोर नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन थर्टीन पॉइंट वन में हम फोर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे टाइप वन है इसमें आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है स्पोज करें टू रेज टू पावर ऑफ फोर इस तरह की एक्सपोनशियल फॉर्म गिवन है और हमें इसे सिंपलीफाई करना है तो कैसे सोल्व करेंगे टू मल्टी टू को मल्टीप्लाई करना है फोर टाइम्स क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमारी एक्सपोनेंट कितनी है फोर है तो बेस नंबर कितना है टू टू मल्टीप्लाई इट्सल्फ बाई फोर टाइम्स टू वन टू थ्री एंड फोर टू टू जा फोर फोर टू जाट एट टू जा सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन आंसर ये हमारा वो नंबर हो गया जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है टू रेज टू दी पावर ऑफ फोर इस तरह हमें सिम्पलीफाई करना है टाइप टू में टाइप फर्स्ट हो गई ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे टाइप सेकंड में इसी को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया जाएगा टू रेज टू द पावर ऑफ यदि टू है टू रेज टू पावर ऑफ थ्री फोर रेज टू पावर ऑफ वन यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए और उसे सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे टू मल्टीप्लाई सेल्फ बाई टू टाइम्स टू टू मल्टीप्लाई टू थ्री मल्टीप्लाई सेल्फ थ्री टाइम्स थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री फोर मल्टीप्लाई बाई एट सेल्फ फोर टाइम वन टाइम फोर सोल्व करेंगे टू मल्टीप्लाई टू 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 जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थ्री जा थर्टी सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्स जा एटीन थ्री थ्री जा नाइन वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड एट को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एट जा थर्टी टू फोर वन जा फोर दैट इज इक्वल टू फोर हंड्रेड थर्टी टू आंसर इस तरह हमारे पास फॉर्म है इस तरह हम उसका सॉल्यूशन करेंगे थर्ड टाइप है इसमें टाइप नंबर थर्ड थर्ड टाइप में यदि आपके पास कोई नंबर गिवन है सपोज करें सिक्सटी फोर आपके पास नंबर गिवन है और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे सिक्सटी फोर के टू से डिवाइड करेंगे टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर टू वन जा टू टू सिक्स जा ट्व टू एट जा सिक्सटीन टू फोर जा एट टू टू जा फोर टू वन जा टू टू कितने टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू मल्टीप्लाई सिक्स टाइम वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए सिक्सटी फोर के इसे हम कैसे लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू रेज टू दावर ऑफ सिक्स दिस इज द एक्सपोनसियल फॉर्म इस तरह यदि हमारे पास कोई नंबर गिवन है और एक्सपोनसियल फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे देन चेंज इन टू एक्सपोनसियल फॉर्म इज इट क्लियर टाइप नंबर फोर टाइप नंबर फोर में यदि आपके पास कोई प्राइम फैक्टर गिवन है स्पोज करें कोई भी नंबर हो सकता है सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन या कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स इसे हम एक्सपोशल फॉर्म में कैसे सोल्व करेंगे सेवन कितने टाइम्स है वन टू थ्री थ्री टाइम्स है सेवन रेज टू द पावर ऑफ थ्री आंसर इसे एक्स की पावर टू बिकॉज वन टू एक्स कितने टाइम्स है टू टाइम्स है एक्स रेज टू द पावर ऑफ टू आंसर इस तरह हम थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज में फोर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन फाइंड दैल्यू ऑफ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट है टू रेज टू दावर ऑफ सिक्स सेकेंड है नाइन रेज टू दावर ऑफ थ्री थर्ड है इलेवन रेज टू दावर ऑफ टू फाइव रेज टू पावर ऑफ फोर हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैसे सोल्व करेंगे इन्हें टू रेज टू पावर ऑफ सिक्स इक्वल टू हेअर टू मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ सिक्स टाइम टू को हमें मल्टीप्लाई करना है टू से ही सिक्स टाइम टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू टू एंड टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स टाइम हमें बेस नंबर को मल्टीप्लाई करना है जितने एक्सपोनेंट गिवन हैं यहाँ पे सिक्स एक्सपोनेंट गिवन थे इसलिए हमें टू को मल्टीप्लाई किया सिक्स टाइम टू टू जा फोर फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू थर्टी टू टू जा सिक्सटी फोर दैट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर आंसर ये वो नंबर है जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है टू रेज टू द पावर ऑफ सिक्स इसमें क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी और हमें इसे सिंपलीफाई करना था मीन्स ये हमें वो नंबर बताना था जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है टू रेज टू द पावर ऑफ सिक्स इज दैट क्लियर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे नाइन रेज टू दावर ऑफ थ्री नाइन डेज टू दी पावर ऑफ थ्री इट मीन्स नाइन को हमें नाइन से मल्टीप्लाई करना है नाइन मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई नाइन 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 जा एटी वन एटी वन को फिर अगेन नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन वन जा नाइन नाइन एट जा सेवेंटी टू दैट इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन आंसर ये वो नंबर है जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है टू द पावर ऑफ थ्री थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट है इलेवन रेज टू द पावर ऑफ थ्री टू सॉरी टू इलेवन रेज टू द पावर ऑफ टू दैट इज इक्वल टू इलेवन को हमें मल्टीप्लाई करना है टू टाइम्स बट इलेवन से इलेवन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू टाइम्स इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन टू वन ट्वेंटी वन ये वो नंबर है जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इलेवन रेज टू दावर ऑफ टू इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फाइव रेज टू दावर ऑफ फोर दैट इज इक्वल टू ये बेस हो गया एक्सपोनेंट है, बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है जितना कि एक्सपोनेंट गिवन है इसमें फाइव को फाइव से ही मल्टीप्लाई करेंगे फोर टाइम्स बिकॉज एक्सपोनेंट इज फोर फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव जाओ ट्वेंटी फाइव को अगेन फाइव से करेंगी फाइव फाइव जाओ ट्वेंटी फाइव फाइव टू जा टेन ओ टू ट्वेल्व वन ट्वेंटी फाइव फो अगेन फाइव से करेंगे फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव टू जा टेन ओ टू ट्वेल्व वन कैरी फाइव वन जा फाइव फोर वन सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे यदि हमारे पास कौन सेल फॉर्म गिवन है और उसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले बेस को मल्टीप्लाई करेंगे जितना कि एक्सपोनेंट गिवन है बेस को बेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे बट जितना एक्सपोनेंट गिवन है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर सोल्व कर देंगे इसमें भी फाइव को हमें फोर टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी थी फोर फाइव मल्टीप्लाई सेल बट फोर टाइम्स टू सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आंसर एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्रेस फॉलोइंग इन एक्सपॉन्सिल फॉर्म ये जो गिवन है प्राइम फैक्टर गिवन है इसमें हमें एक्सपॉन्सिल फॉर्म निकालने हैं फर्स्ट है नंबर नंबर है, six number है. Six number कितनी बार मल्टीप्लाई है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स दैट इज इक्वल टू सिक्स रेज टू द पावर ऑफ फोर दिस इज एन फॉर्म टी इधर क्या वेरिएबल गिवन है टी कितने टाइम्स है वन टू टू रेज टू दी टी रेज टू दी पावर ऑफ टू आंसर इसमें बी वेरिएबल गिवन है कितने टाइम्स वन टू थ्री फोर बी रेज टू दी पावर ऑफ फोर इसमें टू नंबर गिवन है फाइव एंड सेवन फाइव कितने टाइम्स है वन टू टू टाइम्स फाइव रेज टू दी पावर ऑफ टू सेवन वन टू थ्री थ्री टाइम्स सेवन रेज टू पावर ऑफ थ्री आंसर इसमें टू नंबर एंड वन वेरिएबल टू मल्टीप्लाई ए टू कितने टाइम्स है वन टू टू टाइम्स एंड ए आल्सो टू टाइम्स ए रेज टू पावर ऑफ टू एंड टू रेज टू द पावर ऑफ टू आंसर इसमें वन टू थ्री में वन टू थ्री थ्री वेरिएबल्स हैं ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी ए कितने टाइम्स है वन टू थ्री थ्री टाइम्स है ए रेज टू दावर ऑफ थ्री एंड सी कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स है सी रेज टू द पावर ऑफ फोर एंड डी वन टाइम है वन आंसर ये हमने हमारे पास प्राइम फैक्टर्स गिवन थे कुछ नंबर्स में या फिर वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं जिसके हमने एक्सपन्सिल फॉर्म में जिसके हमने एक्सपोनसिल फॉर्म निकाली है इसमें सिक्स नंबर था ओनली सिक्स नंबर था तो सिक्स कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स था इसलिए हमने सिक्स रेज टू पावर फोर फोर किया इसमें टी वेरिएबल गिवन है टी कितने टाइम्स है टू टाइम्स है वन टू सो दैट इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर ऑफ टू इसमें बी वेरिएबल गिवन है बी कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स है दैट इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर ऑफ बी बी रेज टू दावर ऑफ फोर इसमें टू नंबर गिवन है फाइव एंड सेवन फाइव कितने टाइम्स है टू टाइम्स है सो फाइव रेज टू दावर ऑफ टू एंड सेवन कितने टाइम्स है थ्री टाइम्स है दैट इज इक्वल टू सेवन रेज टू दावर ऑफ थ्री टू इसमें एक नंबर है और एक वेरिएबल है तो टू कितने टाइम्स है टू टाइम्स है दैट इज़ इक्वल टू टू रेज टू दावर ऑफ टू एंड ए कितने टाइम्स है ए ऑल्सो टू टाइम्स है दैट इज इक्वल टू ए रेज टू दावर ऑफ टू इसमें वन टू एंड थ्री थ्री वेरिएबल्स हैं ए कितने टाइम्स है ए थ्री टाइम्स है ए रेज टू दावर ऑफ थ्री एंड सी फोर टाइम्स है दैट इज़ इक्वल टू सी रेज टू द पावर ऑफ फोर फोर टाइम्स है तो सी रेज टू दावर ऑफ फोर एंड डी वन टाइम्स है सो डी रेज टू दावर ऑफ वन दिस इज एन एक्सपोसल फॉर्म ऑफ गिवन फैक्टर्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू साइन एजुकेशन चैनल टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर यूजिंग एक्सपोनसियल नोटेशन हमारे पास कुछ नंबर गिवन है हमें इन्हें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे फर्स्ट है हमारे पास फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इसके प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे फाइव हंड्रेड ट्वेल्व यदि इसके लास्ट में टू है तो हम टू से डिवाइड करेंगे क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होता है टू टू जा फोर टू फाइव जा टेन टू सिक्स जा ट्वेल्व अगेन टू से करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में सिक्स है टू वन जै टू 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 जोर टूए जा सिक्सटीन अगेन टू से डिवाइड करेंगे टू सिक्स जा ट्वेल्व टू फोर जा एट टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर टू वन जा टू टू सिक्स जा ट्वेल्व टू जा जिक्सटीन टू फोर जा एट एंड टू टू जा फोर टू टू यहाँ टू कितने मल्टीप्लाई हुए हैं को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है नाइन टाइम्स ये हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन टाइम्स फाइव हंड्रेड ट्वेल्व टू 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 पावर ऑफ नाइन दिस इज अवर नोटेशन इज दट क्लियर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट है थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री इसे हम किसे डिवाइड करेंगे इसके लास्ट में थ्री है तो यह टू से डिवाइड नहीं होगा क्या थ्री से होगा थ्री से भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट के टू डिजिट अगर हम प्लस करते हैं फोर प्लस थ्री सेवन आता है और सेवन थ्री के टेबल में नहीं आता इसलिए हम इसे सेवन से डिवाइड करेंगे थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री फोर जा ट्वेंटी एट सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन सेवन वन जा सेवन सेवन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है थ्री टाइम्स एट मींस सेवन रेजिट दावर ऑफ थ्री दिस इज अवर एक्सपोसिव नोटेशन इज दैट क्लियर थर्ड पार्ट है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे लास्ट में नाइन है इसलिए हम थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री टू जो सिक्स थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री थ्री जहा नाइन थ्री एट जा ट्वेंटी फोर थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री कितने टाइम्स मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इट मींस थ्री रेज टू दावर ऑफ सिक्स दिस इज अवर एक्सपॉन्शियल नोटेशन ऑफ सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन फोर्थ थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के इसके लास्ट में फ़ाइव है इसलिए हम फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव सिक्स जो थर्टी फाइव टू जो टेन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव हंजा फाइव फाइव टू जो टेन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव टू जो टेन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव एंड फाइव हज़ार फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मल्टीप्लाइट्स एल फाइव टाइम्स दैट इज इक्वल टू फाइव रेज टू दावर ऑफ फाइव दिस इज अवर exponential नोटेशन इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा हमारे पास कुछ नंबर गीवन था और जिन्हें हमें कन्वर्ट करना था एक्सपॉन्सियल नोटेशन में कैसे चेंज किया सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर थे हमने उसके प्राइम फैक्टर निकाले जितने प्राइम फैक्टर में जितने नंबर हैं जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हमें उसको लिखा एक्सपॉन्सियर नोटेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो नीचे नंबर है इसमें से कौन सा ग्रेटर है वेहन एवर पॉसिबल यदि पॉसिबल हो उसका तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे गिवन नंबर हैं यदि हमें मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हुआ तो हम पॉसिबल करेंगे और हमें यह बताना है कि विच इज़ इस ग्रेटर इसमें से बड़ा कौन सा नंबर है इसमें क्या है फोर रेज टू द पावर ऑफ थ्री और थ्री रेज टू दावर ऑफ फोर इट मीन्स फोर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स फोर मल्टीप्लाई बाई इट्स एल थ्री टाइम्स और थ्री मल्टीप्लाई बाई इट एल फोर टाइम थ्री को हमें थ्री से ही मल्टीप्लाई करना है फोर टाइम्स और इसमें फोर को मल्टीप्लाई करना है थ्री टाइम्स वन टू थ्री फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर और थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री जा ट्वेंटी सेवन को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन टू कैरी थ्री टू जा सिक्स और टू एट एटी वन एटी वन इसमें से कौन सा ग्रेटर हुआ एटी वन एटी वन हमें किस किस रेज टू पावर ऑफ फोर और ये फोर एज टू पावर ऑफ थ्री इसमें हमें ग्रेटर बताना है तो थ्री रेज टू दावर ऑफ फोर ग्रेटर देन फोर एज टू दावर ऑफ थ्री इस तरह हमें सोल्व करना है ये नंबर हम क्या करेंगे इसमें बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम एक्सपोनेंट गिवन है एक्सपोनेंट इधर थ्री है तो हमें थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया फोर मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स और थ्री मल्टीप्लाई फोर 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 जहाँ थ्री थ्री जाइन नाइन थ्री थ्री जाटी वन एटी वन इज ग्रेटर सो एटी वन इज रिप्लेस

और इसमें थ्री मल्टीप्लाई बाईट फाइव टाइम्स फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को अगर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव टू जा टू ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री जा एटी वन एटी वन थ्री जा एटी वन थ्री जा थ्री वन जो थ्री थ्री एट जा 24, 243. इसमें से कौन सा ग्रेटर हुआ 243 हंड्रेड फोर्टी थ्री इज ग्रेटर देन और किसके रिप्लेस हुआ है ये थ्री रेज की पावर ऑफ फाइव और ये 125 हंड्रेड ट्वेंटी बाई फाइव रेज टू पावर ऑफ थ्री एट में ये ग्रेटर है थ्री रेज टू दाइ पावर ऑफ फाइव ग्रेटर देन पावर ऑफ थ्री और ऑफ एट क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट है टू रेज टू दावर ऑफ एट एट रेज टू दावर ऑफ टू इस क्वेश्चन में क्या है कि जो इसमें बेस है इसमें वो पावर है और जो इसमें पावर है इसमें वो बेस नंबर है इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताती हूँ कि इसमें जिसकी पावर बड़ी होगी वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है टू मल्टीप्लाई बाय सेल्फ ए टाइम थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट और एट मल्टीप्लाई बाईट सेल्फ टू टाइम टू टू जा फोर फोर टू जाट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू थर्टी टू टू जा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को हम टू से मल्टीप्लाई करें टू फोर जा एट टू सिक्स जा ट्वेल्व फिर अगेन हमें टू से मल्टीप्लाई करना है टू एट जा सिक्सटीन टू टू जा फोर और फाइव टू वन जा टू टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स और एट एट फोर इसमें से कौन सा ग्रेटर हुआ टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ये हमने किसकी -किस जगह रिप्लेस किया है टू रेज टू दावर ऑफ एट टू रेज टू दावर ऑफ एट और सिक्सटी फोर रिप्लेस एट रेज टू दावर ऑफ टू विच इज ग्रेटर टू रेज टू दावर ऑफ एट ग्रेटर पावर ऑफ टू इट मीन्स इससे क्या प्रूव होता है कि यदि दोनों में कंपैरिजन पूछा हो और जिसकी बेस एक साइड बेस है और वही दूसरी साइड यदि पावर में है और जो पावर है दूसरी साइड बेस में है यदि इस तरह नंबर रिप्लेस हो रहे हो तो जिसकी पावर ग्रेटर है और जिसका बेस लेस है एज कंपैरिजन टू अदर तो हम क्या करेंगे जिसकी पावर ग्रेटर है उसे हम ग्रेटर करेंगे एंड कंपेरिजन टू अदर नंबर हंड्रेड रेज टू दावर ऑफ टू और टू पावर ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है identify the greater number. हमें identify करना है है. कि greater number कौन सा है? लेकिन इसमें specially दिया गया है. यदि हुआ तो. क्या इसकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन थर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थर्ड में क्या था टू रेज टू दावर ऑफ एट टू रेज टू दावर ऑफ एट और एट रेज टू पावर ऑफ टू इसमें ये नंबर ग्रेटर आया था क्योंकि इसका बेस कम था लेकिन पावर ज्यादा थी टू रेज टू पावर ऑफ एट ग्रेटर देन एट रेज टू पावर ऑफ टू इसलिए हमने ये सोल्व भी किया है इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कौन सा ग्रेटर आएगा टू रेज टू पावर ऑफ हंड्रेड इसमें बेस कम है पावर ज्यादा है बेस कम है पावर ज्यादा है इज ग्रेटर देन हंड्रेड रेज टू पावर ऑफ टू इज इट क्लियर इस क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लागू होता है जैसे टू रेज टू द पावर ऑफ टेन जो यहाँ पावर में है वो यहाँ क्या है बेस में है और जो नंबर यहाँ बेस में है वो यहाँ किस में है पावर में है तो जिसका पावर स्मॉल है मतलब जो नंबर बेस नंबर स्मॉल है तो टू बेस नंबर ये स्मॉल है एज कंपेरिजन टू टेन टू रेज द पावर ऑफ टेन इज ग्रेटर देन टेन रेज द पावर ऑफ टू हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं टू मल्टीप्लाई सेल्फ टेन टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू टू जा फोर फोर टू जाट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू थर्टी टू टी फोर सिक्सटी फोर टू जा सिक्सटी फोर टू जा टू फोर जा एट टू सिक्स जा ट्वेल्व फिर अगेन टू से टू एट जा सिक्सटीन टू टू जा फोर फाइव टू वन जा टू टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स को हम अगेन टू से करेंगे जा ट्वेल्व टू टू जा टू फाइव जा टेन इलेवन टू टू जा फोर और फाइव फाइव हंड्रेड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड ट्वेल्व को अगेन टू से करेंगे टू टू जा, फोर टू वन टू टू फाइव जो टेन क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ़ देयर प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये नंबर है हमें क्या करना है इसके प्राइम फैक्टर में चेंज करने है इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं देन चेंज इन टू एक्सपॉन्सियर इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर टू फोर जा एट लास्ट में एट है इसलिए हम टू से डिवाइड कर रहे हैं टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व टू टू जो फोर टू एट जो सिक्सटीन टू वन जो एट टू वन वन लास्ट में वन है इसलिए हम थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री टू जा सिक्स थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जो नाइन एंड थ्री वन जो थ्री इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 multiplied itself by 1 2 3 three times 2 multiplied itself by three times or 1 2 3 4 three multiplied itself by four times it means 2 raised to the power of 3 multiply 1 2 3 4 three raised to the power of 4 this is the exponential form of 648 ड्रेड फोर्टी एट आंसर इज इट क्लियर हमने क्या किया जो नंबर हमारे पास गिवन था हमने उसके प्राइम फैक्टर निकाले इसमें टू नंबर्स थे टू मल्टीप्लाई सेल बाई थ्री टाइम्स एंड थ्री मल्टीप्लाई सेल बाई फोर टाइम्स ये हमने रिटर्न किया है क्वेश्चन फाइव का सेकंड पार्ट है फोर हंड्रेड फाइव इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके लास्ट में फाइव है इसलिए फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव जा फोर्टी फाइव 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 अभी किसे डिवाइड हो रहा है थ्री से थ्री टू सिक्स थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री फाइव मल्टीप्लाई फाइव वन टाइम्स है इसलिए फाइव लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाइड सेल्फ वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स That is three raised to the power of exponential ऑफ फोर दिस इज दंड्रेड फाइव थर्ड पार्ट है इसके लास्ट में जीरो है इसलिए हम फाइव हंड्रेड फोर्टी के प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके लास्ट में जीरो है इसलिए हम टू से डिवाइड करेंगे टू टू जा जीरो अगेन टू से डिवाइड करेंगे टू वन 2, टू टू थ्री जो सिक्स टू फाइव जा टेन हम किस से डिवाइड करेंगे थ्री से डिवाइड हो रहा है थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन अगेन थ्री से थ्री 3 वन 3, 3, जा थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन फाइव 2 टू टाइम्स रिपीट है थ्री 3 times repeat and 5 1 times. 5 1 times. It means 2 raised to the power of 2 multiply 3 raised to the power of 3 and 5 raised to the power of 1. This is the exponential form of 520. 540. Answer. 3600. इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके लास्ट में जीरो हैं इसलिए हम टू से डिवाइड करेंगे लास्ट में जीरो इसलिए टू से डिवाइड करेंगे टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन टू ज़ीरो टू नाइन जा एटीन अगेन टू जीरो रिपीट टू फोर जा एट टू फाइव जा टेन जीरो टू टू जा फोर टू टू जो फोर टू फाइव जो टेन अब लास्ट में फाइव है इसलिए हम फाइव से डिवाइड कर देंगे फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव थ्री से डिवाइड कर देंगे थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री इसके क्या फैक्टर बन गए टू मल्टीप्लाई टू टू कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स है वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव पहले हम लिख देंगे थ्री मल्टीप्लाई टू टाइम्स एंड फाइव वन टू टू टाइम्स टू मल्टीप्लाई सेल फोर टाइम्स इट मीन्स टू रेज टू द पावर ऑफ फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई बाय सेल टू टाइम्स थ्री रेज टू रेज टू पावर ऑफ टू एंड फाइव ऑल्सो रेज टू पावर ऑफ टू दिस इज एक्सपोनसियल फॉर्म ऑफ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन फाइव हमारा ये इनकम्प्लीट होता है इसमें क्या था कुछ नंबर गिवन थे जिसके हमने प्राइम फैक्टर बनाए प्राइम फैक्टर चेंज फॉर्म या पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर ये प्राइम फैक्टर की पावर्स है यही से हम कह सकते हैं एक्सपोनसियर फॉर्म है क्वेश्चन नंबर सिक्स है सिंपलीफाई करना है हमारे पास ये पावर में कुछ नंबर हैं एंड कुछ सिंपल नंबर है इसे हमें सॉल्व करना है टू मल्टीप्लाई टेन टू द पावर ऑफ थ्री इट मीन्स टू मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स टेन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स टू मल्टीप्लाई कितनी जीरो लगा देंगे वन टू थ्री वन थाउजेंड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टू थाउजेंड आंसर ये क्या है सेवन रेज रेज टू दावर ऑफ टू एंड टू रेज टू दावर ऑफ टू सेवन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू टाइम्स सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन और टू मल्टीप्लाई इट सेल्फ बाई टू टाइम्स टू को हमें टू से मल्टीप्लाई करना है सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई टू टू जा फोर फोर्टी नाइन को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे कैरी, और थर्ड में क्या गिवन है टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री एंड मल्टीप्लाई फाइव टू मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई फाइव टू टू जा फोर फोर टू जाट एट फाइव जाोर्टी आंसर इसमें क्या करना है थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई सेल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर एंड फोर थ्री फोर जा ट जा फोर्टी एट फोर्टी एट फोर जा फोर्टी एट को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एट जा थर्टी टू थ्री कैरी फोर फोर जा सिक्सटीन और थ्री नाइनटीन अगेन फोर से करेंगे फोर टू जाट फोर नाइन जा थर्टी सिक्स थ्री कैरी फोर वन जा फोर और थ्री सेवन सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है जीरो को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर जीरो तो ही आएगा

ट्वेंटी टू अगेन थ्री से करेंगे हम मल्टीप्लाई थ्री फाइव थ्री टू जै सिक्स फाइव दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेवन है पावर ऑफ फोर टू रेस्ट टू द पावर ऑफ फोर मल्टीप्लाई थ्री रेस्ट टू द पावर ऑफ टू टू मल्टीप्लाई इट्स आईएफ फोर टाइम्स टू मल्टीप्लाई इट्स आईएफ बाय फोर टाइम्स एंड थ्री मल्टीप्लाई इट्स आईएफ टू टाइम्स टू टू जा फोर फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट फोर्टी एट को हम थ्री से करेंगे थ्री एट जे ट्वेंटी फोर टू कैरी थ्री फोर जे ट्वेल्व फोर्टीन वन हंड्रेड फोर्टी फोर वन हंड्रेड फोर्टी फोर आंसर रेज टू पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर ऑफ फोर इट मीन्स थ्री मल्टीप्लाइड सेल्फ टू टाइम्स एंड टेन मल्टीप्लाइड सेल्फ फोर टाइम्स टू थ्री एंड फोर थ्री थ्री या नाइन नाइन के आगे जितनी जितने टेन है उनकी जीरो लगा देंगे वन 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 टू टू थ्री थ्री फोर फोर टेन्स हंड्रेड थाउजेंड नाइनटी थाउजेंड आंसर इस तरह हमने क्वेश्चन सिक्स में सिंपलीफाई किया जो हमारे पास एक्सपोन फॉर्म गिवन थी हमें इनका सॉल्यूशन किया क्वेश्चन सेवन है सिंपलीफाई करना है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है और कुछ पावर में नंबर है तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा यदि बेस में माइनस है यदि बेस में माइनस टू या माइनस फोर कुछ भी हो सकता है और उसके उसकी पावर में यदि और नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा यदि बेस में माइनस है और उसके पावर में यदि इवन नंबर है ओड नंबर थ्री सेवन लाइक दिस इवन नंबर टू फोर लाइक दिस यदि इवन नंबर पावर में है तो आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बेस में ही माइनस है लेकिन इसकी पावर में क्या है ओड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा माइनस फोर को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर इस तरह भी सॉल्व कर, कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस तो हम सीधा कंफ्यूज नहीं होंगे यदि हम इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि पावर ओड में है तो आंसर सीधा माइनस में लिख देंगे और इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर आंसर सेकेंड क्वेश्चन है माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू इसके पावर में क्या है ओड नंबर है इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू एंड मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू टू जा फोर फोर टू जा एट माइनस एट माइनस माइनस ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ओड नंबर था और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा थ्री एट जा ट्वेंटी फोर प्लस के ट्वेंटी फोर आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन का थर्ड पार्ट करेंगे माइनस थ्री रेज टू पावर ऑफ टू माइनस फाइव रेज टू पावर ऑफ टू इसके पावर में दोनों में ही क्या है इवन नंबर है इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा प्लस में हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस में आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव थ्री थ्री जा नाइन नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फाइव जा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसमें क्या है पावर में ओड नंबर है इसलिए आंसर किस में आएगा इसका माइनस में आएगा और इसका भी माइनस में माइनस माइनस प्लस तो आंसर किस में आएगा प्लस में माइनस टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स माइनस टू माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टेन थ्री टाइम्स हम टेन को मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर फोर टू एट टेन थ्री टाइम है इसलिए थ्री जीरो आ जाएंगी एट थाउजेंड आंसर प्लस में आएगा क्योंकि इधर माइनस ओड है इसलिए माइनस का साइन आएगा और इधर भी ओड नंबर है माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसलिए आंसर प्लस में है यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस यह मल्टीप्लाई में है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस दैट्स वाई आंसर हमारा प्लस में है क्वेश्चन नंबर एट कंपेयर दी फॉलोइंग नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर गिवन है हमें इनमें कंपेरिजन निकालना है विच इज ग्रेटर सबसे पहले हम पावर दोनों की पावर चेक करेंगे जिस नंबर में पावर ज़्यादा है विच इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अदर इसमें क्या है पावर इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर इसमें टेन की पावर एट है और इसमें टेन की पावर ट्वेल्व है तो इसलिए ये ग्रेटर हुआ यदि पावर सेम होती दोनों में तो हम फिर नंबर चेक करते कि कौन सा नंबर बड़ा है टू मल्टीप्लाई सेवन टू पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेल्व इज ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर एट इज़ इट क्लियर हमने पावर से कंपैरिजन किया है क्योंकि इसमें पावर इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है यदि पावर सेम होती देन वी विल मूव टू नंबर नंबर के अकॉर्डिंग भी ये नंबर ज़्यादा है सेकेंड पार्ट है फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ फोर्टीन थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ सेवनटीन इसमें भी पावर के अकॉर्डिंग की कौन सी पावर ज़्यादा है टेन रेज टू द पावर ऑफ सेवनटीन विच इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ सेवेंटीन इज़ ग्रेटर फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ फोर्टीन इसमें टेन की पावर फोर्टीन है और इसमें टेन की पावर सेवेंटीन है आंसर एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन यही ओवर हो साइज थर्टीन पॉइंट टू है इस टोटली बेस्ड अपॉन दी लॉज ऑफ दी एक्सपोन इसलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लॉज ऑफ़ दी एक्सपोन समझेंगे दैन वी विल मूव ऑन द एक्सरसाइज नाउ मल्टी फर्स्ट लो है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस यदि बेस सेम है पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो इट विल चेंज इन एडिशन ऑफ द पावर्स इट मीन्स यदि बेस सेम है पावर डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर्स पावर हमारी एड हो जाएंगी इज इट क्लियर इसमें क्या था फर्स्ट लॉ हमारा कहता है यदि बेस सेम है बेस सेम है इधर भी ए है इधर भी ए है और पावर्स डिफरेंट है बट मल्टीप्लाई में है देन इट विल चेंज इंटू एडिशन ऑफ द पावर बेस सेम रहेगा और पावर एड हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल सपोज करें हमारे पास बेस टू है बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है इट विल चेंज इंटू बेस सेम रहेगा लेकिन हम पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे फोर प्लस सिक्स इट विल चेंज इंटू टू रेज टू दावर ऑफ टेन इज इट क्लियर फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो बट मल्टीप्लाई में हो दे इट विल चेंज इंटू पावर हमारी एड हो जाएंगे एडिशन ऑफ द पावर टू रेज टू दावर ऑफ टेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ द एक्सपीरेंस सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस यदि बेस सेम है पावर डिफरेंट है बट इन डिविजन साइन क्या है डिवाइड इट विल चेंज इन टू बेस सेम पावर क्या हो जाएंगे सबस्ट्रेक्शन एम माइनस एन फॉर एग्जाम्पल बेस सेम टू रेज टू द पावर ऑफ सेवन टू रेज टू द पावर ऑफ फोर बेस सेम है पावर डिफरेंट है बट इन डिवीज़न इट विल चेंज इन टू बे सेम पावर क्या हो जाएंगी सब्सट्रैक्टर सेवन माइनस फोर इट विल चेंज इंटू टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री इज इट क्लियर अकोर्डिंग टू सेकेंड लो डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस बेस सेम बट पावर डिफरेंट साइन क्या है डिविजन इट विल चेंज इन टू ए बेस सेम रहेगा बट पावर क्या हो जाएंगी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी बेस सेम एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझाया है बेस सेम रहेगा पावर डिफरेंट है बट इन डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा बे सेम पावर माइनस करेंगे इट विल चेंज रेज टू ऑफ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स पावर्स ऑफ द पावर यदि हमारे पास कोई नंबर है उसकी पावर गिवन है पावर की भी पावर है इट विल चेंज इंटू पावर यदि ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए रेज टू दावर ऑफ एम मल्टीप्लाई एन इज इट क्लियर थर्ड लो हमारा क्या कहता है पावर ऑफ द पावर यदि किसी नंबर की पावर की भी पावर गिवन है तो हम क्या करेंगे पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल टू रेज टू दावर ऑफ फोर इसकी भी पावर गिवन है थ्री इट विल चेंज इन टू टू रेज टू दावर ऑफ पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ऑफ ट्वेल्व इज इट क्लियर अकॉर्डिंग टू द स्लो पावर ऑफ द पावर यदि हमारे पास कोई नंबर गिवन है उसकी पावर गिवन है पावर की भी पावर दे रखी है तो हम क्या करेंगे आपस में पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल टू रेज डू दावर ऑफ फोर की पावर थ्री फोर्थ लॉ हमारा क्या बताता है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद दी सेम एक्सपोनेंट्स यदि बेस डिफरेंट है पावर सेम है बट इन मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लिखेंगे ए बी पावर सेम है इसलिए दोनों की पावर हम सेम लिख देंगे एम फॉर एग्जाम्पल थ्री रेज टू दावर ऑफ टू मल्टीप्लाई फोर रेज टू दावर ऑफ टू इसमें क्या है बेस डिफरेंट है पावर सेम है क्या हो जाएगा बेस हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फोर जा ट्वेल्व और पावर दोनों की सेम है इसलिए हम पावर लगा देंगे सेम इज इट क्लियर अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दिस रूल मल्टीप्लाइंग पावर्स पावर्स मल्टीप्लाई में है सेम एक्सपोनेंट्स सेम एक्सपोनेंट्स हैं बट बेस डिफरेंट है मल्टीप्लीकेशन में है सिंपल हम दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे पावर हम सेम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल थ्री रेज टू दावर ऑफ टू एंड फोर रेज टू द पावर ऑफ टू बेस डिफरेंट बट पावर्स सेम इट विल चेंज इंटू थ्री फोर जा ट्वेल्व रेज टू दावर ऑफ टू इज इट क्लियर नेक्स्ट क्लो करेंगे नाउ नेक्स्ट क्लोज ऑफ द एक्सपोनेंट्स, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, यदि बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है इन डिविजन में देन इट विल चेंज इंटू ए अपॉन बी दोनों की पावर सेम है इसलिए क्या कर देंगे ए अपॉन बी पावर एम सेम रहेगी पावर फॉर एग्जाम्पल फोर एज टू दावर ऑफ टू डिवाइड टू रेज टू द पावर ऑफ टू इट विल चेंज इन टू फोर अपॉन टू दोनों की पावर सेम है पावर सेम है बेस डिफरेंट है पावर लिख देंगे सेम इज इट क्लियर फोर की पावर भी टू है एंड टू की पावर भी टू है इज इट क्लियर जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो बट इन डिवीजन में हो देन इट विल चेंज इन टू ए अपॉन बी होल पावर एम लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स का नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट है नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स जीरो यदि हमारे पास कोई वेरिएबल है सपोज करें उसकी पावर जीरो है देन इट विल चेंज इन टू वन यदि हमारे पास कोई भी वेरिएबल या नंबर है जिसकी पावर जीरो है तो हम उसे क्या लिखेंगे वन फॉर एग्जाम्पल टू रेज टू द पावर ऑफ जीरो प्लस थ्री रेज टू दावर ऑफ जीरो प्लस फोर रेज टू दी पावर ऑफ जीरो देन टू रेज टू दी पावर ऑफ जीरो यदि किसी भी नंबर की पावर में जीरो है इट विल चेंज इंटू वन प्लस इट विल चेंज इंटू वन अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वन फोर रेज टू दी पावर ऑफ जीरो चेंज इंटू वन प्लस का साइन था इसलिए हमने प्लस का साइन लिखा है वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू थ्री इज इट क्लियर यदि हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है बट पावर क्या है जीरो है टू रेज टू दावर ऑफ जीरो थ्री रेज टू दावर ऑफ जीरो फोर रेज टू दावर ऑफ देन दिज ऑल आर चेंज इन टू वन multiply 1 multiply 1 because according to this concept a raised to the power of 0 is into 1 not equal to 0 1 multiply 1 multiply 1 equal to 1 exercise 13.2 question number 1 using laws of the exponents simplify an answer in exponential form क्वेश्चन वन क्या कहता है यूज लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस एक्सपोनेंस लॉज का यूज करके सिंप्लीफाई करना हमें, given right हमें है हमें गिवन क्वेश्चन को राइट आंसर इन एक्सपोनशियल फॉर्म हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं बट इन एक्सपोनशियल फॉर्म में क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट है थ्री रेज टू द पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई थ्री रेज टू द पावर ऑफ फोर मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दावर ऑफ एट अकॉर्डिंग टू लो ऑफ द एक्सपोरेंट्स जब बेस सेम हो बट पावर डिफरेंट हो जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन हो इट विल चेंज इन टू बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी इसमें बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है साइन मल्टीप्लीकेशन का है अकॉर्डिंग टू दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंस इट विल चेंज इन टू थ्री रेज टू दावर ऑफ टू प्लस फोर प्लस एट पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी थ्री रेज टू दावर ऑफ टू प्लस फोर सिक्स प्लस एट फोर्टीन थ्री रेज टू दावर ऑफ फोर्टीन दिस इज एक्सपॉन्सियल फॉम एंड दिस इज अवर आंसर इज इट क्लियर सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसमें बेस सेम है या बेस डिफरेंट है पावर सेम है या पावर डिफरेंट है इसमें क्या है बेस सेम है थ्री थ्री एंड थ्री पावर डिफरेंट है एंड साइज मल्टीप्लीकेशन का है अकॉर्डिंग टू लॉन्स ऑफ द एक्सपोन जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन में हो देन इट विल चेंज इन टू बेस सेम रहेगा और पावर एड हो जाएंगी नाउ हमने इसी रूल को फॉलो किया है एंड इट चेंज इन टू थ्री रेज टू दावर ऑफ फोर्टीन इज इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन वन का सेकेंड पार्ट है सिक्स रेज टू दावर ऑफ फिफ्टीन डिवाइड सिक्स रेज टू दावर ऑफ टेन इसमें हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं जब बेस बराबर हो पावर डिफरेंट हो बट साइन डिवाइड का हो तो so, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोरस जब बेस बराबर हो पावर डिफरेंट हो साइन डिवीजन का हो देन इट विल चेंज इन टू ए रेज टू दावर ऑफ एम माइनस एन हेयर पावर क्या हो जाएंगी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल सिक्स बेस इक्वल पावर सब्सट्रेक्ट करेंगे फिफ्टीन माइनस टेन इक्वल टू सिक्स रेज टू दावर ऑफ फिफ्टीन में से टेन लेस करेंगे सिक्स रेज टू दावर ऑफ फाइव दिस इज फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट है ए रेज टू दावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई ए रेज टू दावर ऑफ टू हेयर बेस सेम पावर डिफरेंट साइन मल्टीप्लीकेशन का जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन में हो देन इट विल चेंज इन टू ए रेज टू दावर ऑफ एम प्लस एन पावर क्या हो जाती है एड हो जाती हैं सो ए थ्री प्लस टू पावर क्या करेंगे एड करेंगे इक्वल टू थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री प्लस टू फाइव दिस इज एक्सपोन्वल बट पावर आर डिफरेंट दैट्स वाई जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है एड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉज ऑफ द एक्सपरस सेवन रेज टू दावर ऑफ एक्स प्लस टू पावर हमने क्या कर दी एड कर दी दिस इज एक्सपोनसियल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है फाइव रेज टू दावर ऑफ टू होल पावर थ्री डिवाइड फाइव रेज टू दावर ऑफ थ्री इसमें क्या है किसी भी नंबर की यदि पावर की पावर गिवन हो पावर ऑफ द पावर तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस हम क्या करते हैं जब हमारे पास पावर की भी पावर गिवन हो तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस सेम रहेगा लेकिन पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी दैट्स वाई फाइव रेज टू दावर ऑफ टू मल्टीप्लाई थ्री डिवाइड फाइव इट इज लिखेंगे फाइव रेज टू दावर ऑफ थ्री टू जा सिक्स डिवाइड फाइव रेज टू दावर ऑफ थ्री इक्वल बट पावर क्या है डिफरेंट है देन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो देन इट विल चेंज इन टू सब्सट्रेक्शन ऑफ द पावर पावर क्या हो जाती है सब्सट्रैक्ट हो जाती है नाउ बेस सेम एन पावर क्या कर देंगे क्वेश्चन वन का नेक्स्ट पार्ट है टू रेज टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई फाइव रेज टू दावर ऑफ फाइव हेयर बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर इक्वल पावर सेम है बेस डिफरेंट है साइन मल्टीप्लीकेशन का हो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपरस जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो देन इट विल चेंज इन टू प्रोडक्ट ऑफ द बेस हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर सेम लगा देंगे नाउ बेस क्या है टू मल्टीप्लाई फाइव टेन पावर सेम है सेम लिखेंगे फाइव टेन रेज टू दावर ऑफ फाइव दिस इज एक्सपॉन्सियल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर इज इट क्लियर क्वेश्चन नंबर वन का नेक्स्ट पार्ट है ए रेज टू द पावर ऑफ फोर मल्टीप्लाई बी रेज टू द पावर ऑफ फोर हेयर बेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम अकॉर्डिंग टू लोज ऑफ द एक्सपरस जब बेस डिफरेंट हों बट पावर सेम हों तो हम दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे और पावर सेम पुट कर देंगे नउ बेस ए बी प्रोडक्ट लिखेंगे ए बी रेज टू द पावर ऑफ सेम पावर पुट कर देंगे ए बी रेज टू दावर ऑफ फोर दिस इज एक्सपोन फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर नेक्स्ट पार्ट है थ्री रेज टू दावर ऑफ फोर इसकी भी पावर कितनी गिवन है थ्री अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब किसी भी नंबर की पावर की भी पावर गिवन है पावर ऑफ द पावर देन इट विल चेंज इन टू ए रेज टू दावर ऑफ पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी एम मल्टीप्लाई एन जब किसी भी नंबर की पावर की भी पावर गिवन है then bracket के यदि अंदर और बाहर पावर गिवन है and ये bracket के बाहर है और ये अंदर है को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री फोर दिस इज exponential फॉर्म एंड दिस इज our आंसर क्वेश्चन वन का नेक्स्ट पार्ट है थ्री रेज टू दावर ऑफ फोर होल रेज टू दावर ऑफ थ्री इट मीन्स जब किसी भी नंबर की पावर ऑफ द पावर गिवन है देन अकॉर्डिंग टू लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंस पावर ऑफ द पावर यदि किसी भी नंबर की पावर ऑफ द पावर गिवन है देन इट विल चेंज इन टू बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी सेम पावर मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ रिजा ट्वेल्व ट्वेल्व इट मीन्स थ्री रेज टू द पावर ऑफ ट्वेल्व दिस इज एक्सपोसेल फॉर्म एंड दिस इज आवर आंसर इज इट क्लियर जब पावर किसी भी नंबर की जब पावर ऑफ द पावर गिवन है देन हम बेस सेम लिखेंगे एंड पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल चेंज इन टू थ्री रेज टू द पावर ऑफ ट्वेल्व दिस इज एक्सपन्सियल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर क्वेश्चन वन का नेक्स्ट पार्ट है टू रेज टू द पावर ऑफ ट्वेंटी डिवाइड टू रेज टू द पावर ऑफ फिफ्टीन इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री हेयर बेस आर इक्वल पावर आर डिफरेंट बट साइन क्या है डिविजन में है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोरस जब बेस इक्वल हों जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो देन इट विल विलस्ट्रेक्शन ऑफ द पावर नाउ हेयर टू रेज टू दावर ऑफ पावर्स को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में क्या है टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री टू दी पावर ऑफ ट्वेंटी में से फिफ्टीन लेस करेंगे फाइव टू रेज टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई टू रेज टू दावर ऑफ थ्री हेयर बेस आर इक्वल बट पावर्स आर डिफरेंट नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस जब बेस इक्वल हो बट मल्टीप्लीकेशन में हो पावर डिफरेंट हो देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर एडिशन ऑफ द पावर टू रेज टू दावर ऑफ बेस सेम रहेगा एंड पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी फाइव प्लस थ्री फाइव प्लस थ्री इक्वल टू टू रेज टू दावर ऑफ एट दिस इज एक्सपोशियल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर इज इट क्लियर हमने इस क्वेश्चन में टू रूल्स फॉलो किए हैं सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व किया इसमें क्या था बेस इक्वल n पावर डिफरेंट बट साइन डिवीजन का अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो बट साइन डिवीजन का हो देन इट विल चेंज इनटू सबट्रैक्शन ऑफ द पावर हमने क्या किया पावर्स को सबट्रैक्ट किया देन इट विल चेंज इनटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इसके अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या था 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 वो हमने सेम पुट किया है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है साइन मल्टीप्लीकेशन का है अगेन नेक्स्ट रूल फॉलो किया है जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो देन इट विल चेंज इनटू एडिशन ऑफ पावर। हमने सिंपल एडिशन किया है पावर्स को एंड देन इट विल चेंज इन टू टू रेज पावर ऑफ एट एंड दिस इज एक्सपन्सिल आंसर क्वेश्चन वन का नेक्स्ट पार्ट है एट रेज टू दावर ऑफ टी डिवाइड रेज़ द पावर ऑफ टू हेयर बेस आर इक्वल बट पावर्स आर डिफरेंट नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज़ ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो साइन डिविजन का हो देन इट विल चेंज इन टू सबस्ट्रेक्शन ऑफ द पावर हेयर बेस इक्वल बेस इक्वल well लिखेंगे पावर क्या हो जाएंगी हो जाएंगी टी माइनस टू बिकॉज साइन क्या है डिवीज़न का हो यदि मल्टीप्लीकेशन का हो तो पावर एड हो जाती हैं एट रेजिड दावर ऑफ टी माइनस टू दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर एक्सरसाइज़ थर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर टू करेंगे सिम्प्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनसियल फॉर्म हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन गिवन है हमें इसे सिम्प्लीफाई करना है और आंसर किस में फाइंड आउट करना है एक्सपोनसिल फॉर्म में नाउ हम चेक करेंगे यहाँ कौन सा नंबर एक्सपॉन्सियल फॉर्म में है और कौन सा नहीं है यदि जो नंबर एक्सपॉन्सिल फॉर्म में नहीं है उसे हम कन्वर्ट करेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे देन कन्वर्ट इन टू फॉर्म नाव क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री एज इट इज लिखेंगे बिकॉज इन दिस नंबर इज इन एक्सपोनसिव फॉर्म टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू द पावर ऑफ थ्री रेज टू दावर ऑफ फोर मल्टीप्लाई फोर फोर को हम कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोसल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे फोर डिवाइड बाई टू 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 जा फोर टू वन जा टू टू मल्टीप्लाई टू टाइम्स फोर को कन्वर्ट किया है हमने टू रेज टू दावर ऑफ टू से दिस इज एक्सपोनसियल फॉर्म थ्री रेज द पावर ऑफ वन इज ऑल्सो इन एक्सपोनसियल फॉर्म थर्टी टू नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपॉन्सियल फॉर्म में इसलिए अगेन थर्टी टू के प्राइम फैक्टर बनाएंगे टू से डिवाइड करेंगे टू वन जै टू टू सिक्स जो ट्वेल्व टू एट जिक्सटीन टू फोर जै एट टू टू जॉ फोर एंड टू वंजा टू हेयर टू मल्टीप्लाई वन वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स टू रे टू द पावर ऑफ फाइव नाउ हम नंबर्स को रीज रीअरेंज करेंगे टू एंड थ्री टू नंबर्स रिपीट है सबसे पहले हम टू को अरेंज करेंगे देन थ्री को टू रेज टू द पावर ऑफ टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई टू रेज टू दी पावर ऑफ टू टू नंबर्स को हम साथ में लिखेंगे एंड थ्री को लास्ट में थ्री रेज टू दी पावर ऑफ फोर टू आगे लिख देंगे टू रेज टू दी पावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर ऑफ वन जब बेस इक्वल हो पावर्स डिफरेंट हों साइन मल्टीप्लीकेशन का हो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपीरियंस क्या कहता है जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन का हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, एडिशन ऑफ द पावर टू रेज पावर ऑफ थ्री प्लस टू पावर को हम ऐड करके लिख देंगे थ्री प्लस टू और जब बेस बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो लेकिन साइन क्या हो डिवीजन का हो देन इट कन्वर्ट इनटू ऑफ़ द पावर माइनस फाइव माइनस फाइव जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लिकेशन का हो देन इट कन्वर्ट इनटू एडिशन ऑफ द पावर लेकिन जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो लेकिन साइन डिवीजन का हो कन्वर्ट इनटू सब्सट्रैक्शन ऑफ द पावर हमने जो पावर्स थी उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया हम फाइव माइनस फाइव नौ बेस सेम है पावर डिफरेंट है लेकिन साइन क्या है डिवीजन का डिवीजन का देन इट कन्वर्ट इनटू सब्सट्रैक्शन ऑफ द पावर मल्टीप्लाई थ्री रे टू पावर ऑफ फोर माइनस वन इज इट क्लियर ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे टू रेज टू पावर ऑफ टू रेज टू पावर ऑफ फाइव माइनस वन इक्वल टू थ्री रेज टू पावर ऑफ थ्री टू रेज टू पावर ऑफ फाइव में से फाइव लेस करेंगे जीरो मल्टीप्लाई थ्री रेज टू पावर ऑफ थ्री किसी भी नंबर की पावर में यदि जीरो है टू वन टू रेज टू दावर ऑफ इक्वल टू वन वन मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री दिस इज एक्सपोसल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट करेंगे फाइव रेज टू दावर ऑफ टू होल रेज टू दावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई फाइव रेज टू दावर ऑफ फोर इस पूरे के डिवीजन में है फाइव रेज टू दावर ऑफ सेवन इसमें क्या है पावर ऑफ द पावर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस क्या कहता है जब पावर्स की भी पावर हो देन पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइव रेज टू दावर ऑफ टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स फाइव रेज टू दावर ऑफ सिक्स मल्टीप्लाई फाइव रेज टू दावर ऑफ फोर ब्रैकेट बंद इसके पूरे के डिवीजन में क्या है फाइव रेट टू दावर ऑफ सेवन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर पावरेंट हो बट साइन क्या हो मल्टीप्लीकेशन का देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर एडिशन ऑफ द पावर फाइव फाइव रेज टू दी पावर ऑफ सिक्स प्लस फोर एडिशन ऑफ दी पावर डिवाइड फाइव रेज टू दी पावर ऑफ सेवन फाइव रेज टू दी पावर ऑफ टेन सिक्स प्लस फोर टेन डिवाइड फाइव रेज टू दी पावर ऑफ सेवन जब बेस सेम हो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो बट साइन क्या हो डिवीजन का हो देन इट देज इन टू सब ऑफ द द पावर टू पावर ऑफ टेन माइनस सेवन टेन माइनस सेवन टू द पावर ऑफ टेन में से सेवन लेस करेंगे इक्वल टू टू द पावर ऑफ थ्री दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर इज इट क्लियर सबसे पहले हमने क्या कि किया इस क्वेश्चन में पावर ऑफ द पावर को सोल्व किया मल्टीप्लाइंग फाइव टू द पावर ऑफ फोर एज इट इज रिटर्न किया हे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन का हो देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर जब बेस सेम हो पावर जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो बट साइन क्या हो डिजन का हो देन इट विल कन्वर्ट इन टू सब्सट्रक्शन ऑफ द पावर यह चेंज हो जाएगा 5 फ्रेश के ऊपर ऑफ थ्री। यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और यह हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भाग है। 25 फ्रेश के ऊपर ऑफ फोर डिवाइड 5 फ्रेश के ऊपर ऑफ थ्री। 25 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 25 इसे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 5 जा ja 25, 5 फंजा ja 5। है 2 फाइव मल्टीप्लाई टू टाइम्स फाइव रेज टू दावर ऑफ टू होल पावर ऑफ फोर बिकॉज हमने ट्वेंटी प्राइम फैक्टर निकाले हैं फाइव रेज टू दावर ऑफ टू एक्सपोनसल फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया लेकिन इसके पावर में क्या था फोर फोर हमने एज इट इज लिखा है डिवाइड फाइव रेज टू दावर ऑफ थ्री एज इट इज नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस पावर ऑफ द पावर जब पावर ऑफ द पावर गिवन है देन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इट विल चेंज इन टू फाइव रेज टू दावर ऑफ टू फोर जा एट डिवाइड फाइव टू द पावर ऑफ थ्री अगेन अकॉर्डिंग टू क्लोज ऑफ द एक्सपीरियंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो बट साइन क्या हो डिजन का देन इट विल चेंज इन टू पावर बे सेम पावर माइनस कर देंगे एट माइनस थ्री सब्सट्रैक्शन ऑफ द पावर इट विल एट एट माइनस माइनस थ्री इक्वल टू फाइव रेज टू दावर ऑफ फाइव दिस इज एक्सपोनसिव फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर इज इट क्लियर सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन था ट्वेंटी फाइव रेज टू दावर ऑफ फोर पावर ऑफ थ्री हमने ट्वेंटी फाइव के प्राइम फैक्टर्स निकाले फाइव दावर ऑफ टू इसके भी पावर्स में क्या था फोर एज इट इज हमें इसके पावर में फोर लिखा लेकिन 25 3, to, है लेकिन ट्वेंटी फाइव को कन्वर्ट किया फाइव रेच व पावर ऑफ टू डिच द पावर ऑफ थ्री इक्वल टू बेस इक्वल है पावर्स डिफरेंट है साइन डिविजन का हो देन इट विल चेंज इक्शन ऑफ द पावर एंड फाइव रेज़ टू दावर ऑफ फाइव एक्सपॉन्सल फॉर्म में हमें आंसर फाइंड आउट करना था दिस इज अवर एक्सपोनसल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर इज इट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री मल्टीप्लाई सेवन रेट दावर ऑफ टू मल्टीप्लाई इलेवन रेज टू दावर ऑफ एट इस पूरी के डिविजन में है ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई इलेवन रेज टू दावर ऑफ थ्री थ्री मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दावर ऑफ टू मल्टीप्लाई इलेवन रेज टू दावर ऑफ एट ट्वेंटी वन के हम प्राइम फैक्टर चेंज करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे ट्वेंटी वन थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री रेज थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन सेवन वन जो सेवन हेयर थ्री मल्टीप्लाई वन टाइम एंड सेवन मल्टीप्लाई वन टाइम थ्री मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई इलेवन रेज टू द पावर ऑफ थ्री थ्री से थ्री कैंसिल कर देंगे सेवन रेज टू द पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई इलेवन रेज टू द पावर ऑफ एट डिवाइड में सेवन रेज टू द पावर ऑफ वन मल्टीप्लाई इलेवन रेज टू द पावर ऑफ थ्री अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो बट डिविज़न में हो डिविजन में देन पावर्स क्या हो जाएंगी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे सेवन रेज टू दावर ऑफ टू माइनस वन मल्टीप्लाई इलेवन अकॉर्डिंग टू लॉज़ ऑफ द एक्सपोनेंस बेस सेम है पावर डिफरेंट है बट साइन क्या है इन साइन क्या है डिविजन में देन पावर क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट एट माइनस थ्री एट माइनस थ्री इक्वल टू सेवन रेज टू द पावर ऑफ टू माइनस वन वन मल्टीप्लाई इलेवन रेज टू द पावर ऑफ एट में से थ्री लेस करेंगे फाइव दिस इज एक्सपो फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर इज इट क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री रे टू दावर ऑफ सेवन फोन थ्री रे टू द पावर ऑफ फोर मल्टीप्लाई थ्री रे टू दावर ऑफ थ्री इसमें सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स में हैं सो हमें इन कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सारे एक्सपोसल फॉर्म में हैं थ्री रे टू दावर ऑफ सेवन जब बेस इक्वल हो बेस इक्वल है पावर्स डिफरेंट हो बट साइन क्या हो डिवीजन का

सेवन फोर माइनस थ्री माइनस माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सेवन थ्री रेच टू दावर ऑफ जीरो भी किसी भी नंबर की दी पावर में जीरो है दैट विल बी इक्वल टू वन यदि किसी भी नंबर की पावर में जीरो है तो वो किसके इक्वल होता है वन के आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेज टू दावर ऑफ जीरो प्लस थ्री रेज़ टू द पावर ऑफ जीरो प्लस फोर रेज द पावर ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू लॉज़ ऑफ द एक्सपोनेंस किसी भी नंबर की यदि पावर में जीरो है दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन किसी भी नंबर की पावर में यदि जीरो है दैट विल दैट विल बी इक्वल टू वन

वन साइन एज इट इज कुट करेंगे मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई किया है थ्री रे टू दावर ऑफ जीरो टू वन मल्टीप्लाई फोर रे टू दावर ऑफ जीरो टू वन वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री रेज टू दावर ऑफ जीरो प्लस टू रे टू दावर ऑफ जीरो किसी भी नंबर के द पावर में जीरो है दैट नंबर विल बी इक्वल वन वन प्लस टू पावर ऑफ जीरो ऑल्सो इक्वल टू वन मल्टीप्लाई फाइव रेज पावर ऑफ जीरो ऑल्सो इक्वल टू वन वन प्लस वन टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू टू वन जाओ टू आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेज टू दावर ऑफ एट मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर ऑफ फाइव पूरे के डिवीजन में है फोर रेज टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर ऑफ थ्री इसमें नंबर्स एंड वेरिएबल साथ में गिवन है नंबर्स एंड वेरिएबल साथ में गिवन है हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन किसे हमें कन्वर्ट करना है दिस इज प्राइम नंबर एज इट इज लिख देंगे टू रेज टू द पावर ऑफ एट बिकॉज इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर ऑफ फाइव पूरे के डिवीजन में फोर फोर के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे फोर डिवाइड बाय टू 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 जै फोर टू मल्टीप्लाई है टू टाइम्स टू रेज टू द पावर ऑफ टू इसके पावर में क्या था थ्री होल पावर थ्री मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर ऑफ थ्री इज इट क्लियर इसे सिंप्लीफाई करेंगे टू रेज टू द पावर ऑफ एट मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर ऑफ फाइव पावर ऑफ द पावर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस पावर ऑफ द पावर मल्टीप्लाई द पावर्स टू रेज टू द पावर ऑफ टू थ्री जा सिक्स मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर ऑफ थ्री हेयर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो साइन डिवीजन का हो देन इट विल चेंज इन टू द पावर टू टू रेज दावर ऑफ एट माइनस सिक्स एट माइनस सिक्स साइन मल्टीप्लीकेशन का अगेन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो साइन क्या हो डिजन का हो इट विल चेंज इन टू पावर ऑफ फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री पावर ऑफ एट में से सिक्स लैस करेंगे मल्टीप्लाई ए रेज टू दावर ऑफ फाइव में से थ्री लैस करेंगे टू आंसर इसे हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस डिफरेंट हो तो प्रोडक्ट लिखेंगे टू ए पावर दोनों की सेम पुट कर देंगे आंसर दोनों ही आंसर हमारे राइट right हैं यहाँ तक भी हम इसे सिम्प्लीफाई कर सकते हैं और ये भी सही है इज इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड a रेज टू द पावर ऑफ 3 इस पूरी की मल्टीप्लिकेशन में है a रेज टू द पावर ऑफ 8 सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो साइन एंड डिवीजन का हो देन इट विल चेंज इनटू सबट्रैक्शन होती पावर a रेज टू द पावर माइनस 5 3 माइनस 3 इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन में क्या है ए रेज टू दी पावर ऑफ एट ए रेज टू दी पावर ऑफ फाइव में से हम थ्री लेस करेंगे टू ए रेज टू दी पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई ए रेज टू दी पावर ऑफ एट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन का हो देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर्स ए रेज टू दी पावर ऑफ टू प्लस एट पावर ऑफ टेन आंसर इज इट क्लियर सबसे पहले हमने रेकेट सोल्व किया अकोडिंग टू लॉज ऑफ दब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो साइन डिविजन का हो देन इट विल ए रेज टू दावर ऑफ एट हेयर बेस इक्वल पावर डिफरेंट बट साइन क्या है मल्टीप्लीकेशन का अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर्स डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन का हो देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर्स रेज टू दावर ऑफ टेन इज इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर एज टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई ए रेज टू दावर ऑफ एट

प्रोडक्ट में है बी रेज टू पावर ऑफ थ्री डिवाइड ए रेज टू पावर ऑफ फाइव बी रेज टू पावर ऑफ टू अकॉर्डिंग टू लोज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो बट साइन क्या हो डिवीजन का हो देन इट विल चेंज इनटू टू ऑफ द पावर ए रेज टू द पावर ऑफ ए रेज टू दावर ऑफ एट माइनस फाइव मल्टीप्लाई बी हेयर बेस आर ऑल्सो इक्वल बट पावर्स आर डिफरेंट साइन डिविजन का हो देन इट विल ऑल्सो चेंज इन टू सब्सट्रेक्शन ऑफ द पावर थ्री माइनस टू ए रेज टू दावर ऑफ एट में से फाइव लेस करेंगे थ्री मल्टीप्लाई बी रेज टू दावर ऑफ थ्री में से हम टू लेस करेंगे वन ए रेज टू द पावर ऑफ थ्री बी आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई टू रेज टू द पावर ऑफ वन इस पूरे के पावर्स में है टू अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन का हो देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन इस पूरी के पावर में है टू होल टू टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री प्लस वन फोर होल टू पावर ऑफ द पावर जब किसी भी नंबर की पावर ऑफ द पावर गिवन है देन पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू रेज टू दावर ऑफ फोर टू जट एट आंसर एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन गिवन है हमें इसे बताना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर यदि ट्रू है तो हमें जस्टिफाई करना है यदि फोर्स में आता है फिर भी हमें जस्टिफाई करना है इसके पीछे क्या रीजन है लेट एस स्टार्ट टेन मल्टीप्लाई टेन हेयर बेस आर इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो और पावर डिफरेंट हो टेन इज पावर ऑफ वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ इलेवन जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो साइन मल्टीप्लीकेशन का हो देन इट विल चेंज इन टू एडिशन ऑफ द पावर टेन रेज टू दावर ऑफ वन प्लस इलेवन टेन रेज टू दावर ऑफ ट्वेल्व लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है टेन रेज टू पावर ऑफ ट्वेल्व राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे क्या हम हंड्रेड को लिख सकते हैं टेन रेज टू दावर ऑफ टू इसके पावर में क्या है इलेवन पावर ऑफ द पावर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पावर अकॉर्डिंग टू लॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस टू मल्टीप्लाई इलेवन इलेवन टू जो ट्वेंटी पावर ऑफ ट्वेंटी टू क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के नहीं तो हमारी ये क्या हो गया आंसर फोर्स बिकॉज इन लेफ्ट हैंड साइड टेन रेज टू द पावर ऑफ ट्वेल्व एंड राइट हैंड साइड में क्या है टेन रेज टू दावर ऑफ ट्वेंटी टू दिस इज दोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और ये हमने प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री ग्रेटर है फाइव रेज टू दावर ऑफ टू हमें प्रूव करना है टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री इट मीन्स टू मल्टीप्लाईड सेल थ्री टाइम्स इज ग्रेटर देन फाइव रेज़ टू दावर ऑफ टू इट मीन फाइव मल्टीप्लाई सेल्फ टू टाइम्स टू टू जा फोर फोर टू जा एट इज ग्रेटर देन फाइव 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 जा ट्वेंटी क्या एट ग्रेटर देन है ट्वेंटी फाइव से नो फॉल्स हैं टू रेज टू द ऑफ थ्री इज नॉट ग्रेटर देन फाइव रेज टू द ऑफ टू बिकॉज एट इज लेस देन ट्वेंटी फाइव नॉट ग्रेटर देन क्वेश्चन थ्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेज टू द ऑफ थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू द ऑफ टू इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते एज इट इज लिखेंगे टू रेज टू द ऑफ थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू द ऑफ टू बट इट इन राइट हैंड साइड हम इसे चेंज कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे टू मल्टीप्लाई थ्री इस पूरे के पावर में क्या है फाइव एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू टू रेज टू दावर ऑफ फाइव ऑल्सो थ्री रेज टू दावर ऑफ फाइव बिकॉज ये जो बार जो पावर्स है होल में ये दोनों की पावर्स है टू के साथ में भी फाइव है एंड थ्री के साथ में हमने इसे अलग अलग करके लिखा है अब चेक करेंगे टू रेज टू दी पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू पावर ऑफ टू इक्वल टू टू रेज टू दी पावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दी पावर ऑफ फाइव क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं है सो आंसर फॉल्स हैंस जस्टिफाइड हैंस जस्टिफाइड क्वेश्चन नंबर थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री रेज टू दावर ऑफ जीरो इक्वल टू वन थाउजेंड रेज टू द पावर ऑफ जीरो यदि किसी भी नंबर की पावर में जीरो है दैट नंबर विल बी इक्वल टू वन इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड साइड क्वल टू राइट हैंड साइड आंसर क्या आ जाएगा ट्रू हैं जस्टिफाइड एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनसिल फॉर्म हमारे पास नीचे कुछ नंबर गिवन है प्रोडक्ट में हमें इन्हें एक्सपॉन्सियल फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना है इसलिए सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे फॉर्म फर्स्ट पार्ट है वन हंड्रेड नाइनटी टू वन हंड्रेड एट के प्राइम फैक्टर निकालेंगे लास्ट में एट है सो डिवाइड बाय टू टू फाइव जो टेन टू फोर जो एट टू टू जो फोर टू सेवन जो थ्री से थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जो नाइन थ्री वन जो थ्री हेयर टू मल्टीप्लाई टू टाइम्स टू रेज टू द पावर ऑफ टू एंड थ्री मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री ये हमने प्राइम फैक्टर निकाले वन हंड्रेड एट के अब सेम वन हंड्रेड नाइन्टी टू के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे लास्ट में टू है सो अगेन डिवाइडेड बाई टू टू नाइन जो एटीन टू सिक्स जै ट्वेल्व लास्ट में सिक्स है इसलिए हम टू से अगेन डिवाइड करेंगे टू फोर जा एट टू एट जै सिक्सटीन लास्ट में एट है अगेन डिवाइड बाई टू 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 जॉ फोर टू फोर जा एट अगेन टू टू वन जै टू 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 जॉ फोर टू सिक्स जै ट्वेल्व टू थ्री जॉ सिक्स एंड थ्री वन जे थ्री टू मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम्स टू रेज टू द पावर ऑफ सिक्स एंड थ्री मल्टीप्लाई वन टाइम थ्री रेज टू द पावर ऑफ वन इज इट क्लियर हेयर बेस आर इक्वल अरेंज करेंगे टू रेज टू द पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई टू रेज टू द पावर ऑफ सिक्स एंड थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री वन थ्री रेज टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दावर ऑफ वन जब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर्स डिफरेंट हो साइन क्या हो मल्टीप्लाई का देन इट विल चेंज पावर ऑफ सिक्स प्लस टू एट टू रे टू द पावर ऑफ एट मल्टीप्लाई बेस इक्वल इक्वल एज इट इज लिखेंगे पावर डिफरेंट साइन मल्टीप्लीकेशन का देन इट विल चेंज इंटू एडिशन ऑफ दावर थ्री प्लस वन फोर दिस इज एक्सपोनसियल फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हंड्रेड सेवनटीन के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे देन कन्वर्ट इंटू एक्सपोनसियल फॉर्म टू हंड्रेड सेवनटी लास्ट में जीरो है सो डिवाइडेड बाय टू टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स टू फाइव जा टेन लास्ट में फाइव है सो डिवाइडेड बाय थ्री थ्री टू जा थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन अगेन थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री वन जा थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन फाइव से फाइव वन जा फाइव है टू मल्टीप्लाई वन टाइम्स टू रेज टू द पावर ऑफ वन एंड थ्री मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स थ्री रेज टू दावर ऑफ थ्री एंड फाइव ऑल्सो मल्टीप्लाई वन टाइम्स इज इट क्लियर दिस इज एक्सपोन्सिव फॉर्म ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज अवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर सबसे पहले हम सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन के प्राइम फैक्टर निकालेंगे लास्ट में नाइन है सो डिवाइड बाय थ्री थ्री टू जो सिक्स थ्री फोर जो ट्वेल्व एंड थ्री थ्री जो नाइन थ्री एट जो ट्वेंटी फोर थ्री वन जो थ्री अगेन थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री टू जो सिक्स थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जो नाइन एंड थ्री वन जा थ्री हेयर थ्री मल्टीप्लाइड सेल बाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स थ्री रेज टू दावर ऑफ सिक्स दिस इज द एक्सपोशियल फॉर्म ऑफ सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन सिक्सटी फोर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे लास्ट में फोर है सो डिवाइडेड बाई टू टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर 2 1 2 2 6 12 12 16 2 4 8 2 2 4 and 2 1 2. Here 2 multiply itself 1 2 3 4 5 6 times 2 raised to the power of 6 1 2 3 4 5 6. This is the exponential form of this number and this is also exponential form of this number. Answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट के हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं देन कन्वर्ट इन टू एक्सपॉन्सिल फॉर्म सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट लास्ट में एट है सो डिवाइडेड बाई टू टू थ्री जा सिक्स टू एट जा सिक्सटीन टू फोर जा एट अगेन लास्ट में फोर है डिवाइडेड बाई टू टू वन जा टू टू नाइन जा एटीन टू टू जा फोर अगेन टू से डिवाइड करेंगे टू नाइन जा एटीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व टू फोर जा एट टू एट जा सिक्सटीन टू टू जा फोर टू फोर जा एट टू वन जा टू 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 जा फोर टू सिक्स जा ट्वेल्व टू थ्री जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री here 2 multiply itself 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times 2 raised to the power of 8 multiply 3 raised to the power of 1 answer 2 raised to the power of 8 and 3 raised to the power of 1 this is exponential form and this is our answer एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना हमें गिवन क्वेश्चन को टू रेज टू दावर ऑफ फाइव होल पावर टू मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दावर ऑफ थ्री इस पूरे के डिवीजन में है एट रेज टू दावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई सेवन टू रेज टू दावर ऑफ फाइव इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ द एक्सपोनेंस पावर ऑफ द पावर गिवन है पावर ऑफ द पावर मींस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पावर्स टू रेज टू दावर ऑफ टू फाइव जा ट हमने यहाँ पावर्स को मल्टीप्लाई किया है बिकॉज पावर पावर ऑफ द अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द द एक्सपोनेंस अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंस दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पावर्स मल्टीप्लाई सेवन रेज टू दावर ऑफ थ्री डिवाइड एट को हम क्या करेंगे एट के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे टू फोर जा एट टू टू जा फोर एंड टू वन जा टू टू मल्टीप्लाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री इसके पावर में क्या है थ्री सेम पुट कर देंगे मल्टीप्लाई सेवन टू रेज टू द पावर ऑफ टेन मल्टीप्लाई सेवन रेज टू द पावर ऑफ थ्री हमने सेम रिटर्न किया है नीचे पावर ऑफ द पावर है सो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पावर टू रेज टू दावर ऑफ थ्री थ्री जॉ नाइन मल्टीप्लाई सेवन रेज टू रेज टू दावर ऑफ वन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो बट साइन क्या हो डिवीजन का

माइनस वन थ्री माइनस वन, टू रेज टू पावर ऑफ टेन में से हम नाइन रेस्ट करेंगे वन मल्टीप्लाई सेवन रेज टू पावर ऑफ थ्री में से हम वन लाइस करेंगे थ्री माइनस वन टू सेवन रेज टू पावर ऑफ टू इट विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई इट सेल बाई टू टाइम्स टू से उन जाओ फोर्टीन फोर्टीन से उन जाओ नाइनटी एट आंसर क्वेश्चन फाइव का नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव रेज टू द पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर ऑफ एट

मल्टीप्लाई फाइव रेज टू दावर ऑफ टू मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर ऑफ टी रेज टू द पावर ऑफ एट टेन के हम ऑल्सो निकालेंगे टू फाइव जा टेन फाइव वन जा फाइव टू रेज टू द पावर ऑफ वन मल्टीप्लाई फाइव रेज टू द पावर ऑफ वन मल्टीप्लाई इस पूरे के टेन रेज टू दावर ऑफ थ्री है सो हमें टेन को कन्वर्ट किया टू मल्टीप्लाई फाइव में इस पूरे के पावर में हम थ्री पुट कर देंगे क्योंकि इसमें टेन रेज टू दावर ऑफ थ्री है सो सेम पावर हम यहाँ पुट कर देंगे ट्री रेज टू दावर ऑफ फोर हेयर बेस आर इक्वल बेस इक्वल्स बेस इक्वल्स हैं एंड पावर्स भी इक्वल हैं। सो so, हम कैसे लिख सकते हैं फाइव रेस्ट टू पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई फाइव रेज टू पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर ऑफ एट सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे टू रेज टू पावर ऑफ थ्री एंड फाइव रेज टू दावर ऑफ थ्री टू रेज टू दावर ऑफ थ्री फाइव रेज टू द पावर ऑफ थ्री ये जो पावर्स हैं ये दोनों नंबर्स के साथ में इस दोनों प्रोडक्ट के साथ में इक्वल है टू रेज टू द पावर ऑफ थ्री एंड फाइव रेज टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर ऑफ फोर क्वेश्चन नंबर फाइव का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री रेज टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ फाइव टेन के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे थ्री डेज टू द पावर ऑफ सेम लिखेंगे पहले थ्री डेज टू दावर ऑफ फाइव एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई टेन के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे टू फाइव या टेन फाइव एन जाइव टू मल्टीप्लाई फाइव इसकी भी पावर कितनी है फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं ट्वेंटी फाइव के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव 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 रेज टू दावर ऑफ टू फाइव रेज टू दावर ऑफ टू पूरे के डिवीजन में है फाइव रेज टू दावर ऑफ सेवन मल्टीप्लाई सिक्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे टू थ्री जा सिक्स थ्री वन जा थ्री टू मल्टीप्लाई थ्री टू मल्टीप्लाई थ्री पूरे की पावर पुट कर देंगे थ्री रेज टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई टू रेज़ टू दावर ऑफ फाइव फाइव दोनों नंबर्स पावर्स हैं टू रेज़ टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई फाइव रेज़ टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई फाइव रेज टू दावर ऑफ टू पूरे के डिवीजन में फाइव रेज टू दावर ऑफ सेवन मल्टीप्लाई टू रे टू दावर ऑफ फाइव थ्री रेच टू दावर ऑफ फाइव रीअरेज कर देंगे फाइव रेज टू दावर ऑफ फाइव रेज टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई फाइव रेज टू दावर ऑफ टू मल्टीप्लाई टू रेज टू दावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई थ्री रेज टू दावर ऑफ फाइव फाइव रेज टू द पावर ऑफ सेवन मल्टीप्लाई टू रेज टू द पावर ऑफ फाइव मल्टीप्लाई थ्री रेज टू द पावर ऑफ फाइव हमने सिंपल क्या किया है नंबर्स के नीचे नंबर्स पुट कर दिए सेम टू रेज टू द पावर ऑफ फाइव टू रेज टू दावर ऑफ फाइव थ्री रेज टू फाइव थ्री रेज टू द पावर ऑफ फाइव टू रेज टू द पावर ऑफ फाइव से टू रेज टू द पावर ऑफ फाइव कैंसिल हो जाएगा थ्री रेज टू द पावर ऑफ फाइव से थ्री रेज टू द पावर ऑफ फाइव कैंसिल कर देंगे बिकॉज बेस सेम है पावर्स भी सेम है इसमें भी बट इन डिविजन में है बेस सेम है पावर सेम है कैंसिल कर देंगे ऐसे हम सॉल्व करेंगे बेस सेम पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी फाइव रेस्ट टू पावर ऑफ सेवन फाइव रेस्ट टू पावर ऑफ फाइव प्लस टू सेवन डिवेड में नीचे भी क्या है फाइव फ्रेज टू दावर ऑफ सेवन दिस इज ऑल्सो कैंसिल हमने क्या किया बेस इक्वल थे मल्टीप्लीकेशन में थे अकॉर्डिंग टू लोज ऑफ द एक्सपोनेंस जब बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाएंगी एडिशन ऑफ द पावर्स हमने ऐड किया फाइव फ्रेज टू दावर ऑफ सेवन नीचे हमारे ऑलरेडी फाइव फ्रेज टू दावर ऑफ द सेवन था हमने आपस में कैंसिल कर दिया दैट विल बी इक्वल टू वन आंसर हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू साइन एजुकेशन चैनल टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री ऑफ सेवन क्लास मैथ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री इज रिलेटेड विद टू कंसेप्ट फर्स्ट वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म एंड सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड फॉम सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं सपोज करें आपने कोई नंबर लिखा किसी भी नंबर की हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे सपोज करें आपने कोई नंबर लिखा थ्री थाउजेंड 475 इसके हमें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड सबसे पहले हम लास्ट नंबर लिखेंगे थ्री है तो हम थ्री लिखेंगे इसके आगे जितने नंबर्स हैं उतने जीरो पुट करेंगे वन वन टू थ्री वन टू एंड थ्री थ्री प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम प्लस का साइन ऐड करते हैं प्लस लिखेंगे या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री है कितने प्लेस पर है थाउजेंड और थाउजेंड के लिए हम कितने जीरो लगाते हैं थ्री जीरो सो ऐड थ्री ज़ीरो प्लस फोर फोर के आगे कितने नंबर हैं वन टू टू जीरो ऐड कर देंगे प्लस सेवन सेवन के आगे कितने नंबर हैं वन सो ऐड वन ज़ीरो प्लस फाइव फाइव के आगे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम फाइव इट इज लिखेंगे यहाँ तक हमने सीखा प्रीवियस क्लासेस में यदि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं लेकिन इस चैप्टर में हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे थ्री थाउजेंड को हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इसके हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेपरेट करेंगे बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम हम साइन पुट कर देंगे प्लस का है तो इसलिए हमने प्लस ऐड किया फोर फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू कितनी है वन हंड्रेड प्लेस वैल्यू कितनी है वन हंड्रेड प्लस फेस वैल्यू सेवन मल्टीप्लाई टेन प्लस फाइव मल्टीप्लाई वन थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टेन कितने टाइम्स रिपीट हैं वन टू थ्री थ्री टाइम्स रिपीट है इसलिए हम क्या लिखेंगे टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टेन रेज टू दावर ऑफ टू टेन रेज टू दावर ऑफ टू प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टेन रेज टू द पावर ऑफ वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई वन इट मीन्स टेन रेज टू द पावर ऑफ जीरो यदि किसी भी नंबर की पावर में जीरो है दैट इक्वल टू वन दैट्स वाई वी राइट है टेन रेज टू द पावर ऑफ जीरो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर दिस इज एक्सपेंडिड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इस तरह हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडिड फॉर्म निकालेंगे टाइप नंबर टू में हम यदि हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है टू मल्टीप्लाई टेन डेज टू दावर ऑफ थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई टेन डेज टू दावर ऑफ टू प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन प्लस सेवन इसे हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री मीन्स टेन मल्टीप्लाईट सेल्फ थ्री टाइम्स वन टू थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टू मीन्स टेन मल्टीप्लाईड सेल्फ टू टाइम्स टेन मल्टीप्लाइड सेल टू टाइम्स प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ वन मीन्स टेन मल्टीप्लाइड सेल वन टाइम्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई सेवन एज इट इज लिखेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे टू मल्टीप्लाई वन थाउजेंड टू थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस फोर्टी एंड प्लस सेवन इसे सिंपल ऐड कर देंगे टू थ्री फोर एंड सेवन आंसर वंस टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड ये भी चेक कर सकते हैं थाउजेंड के लिए हम कितनी जीरो लगाते हैं थ्री टेन इज पावर ऑफ थ्री एंड हंड्रेड के लिए टू टेंस के लिए वन सेकंड कंसेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम डेसिमल पुट करते हैं वन एंड टैन नंबर के बीच में टेन नंबर के बीच में साथ में मल्टीप्लाई करेंगे साथ में इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को पावर्स ऑफ दी टेन पावर्स कुछ भी हो सकती हैं कट स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर लिखा फोर हंड्रेड सेवेंटी टू इस नंबर में क्या कोई डेसिमल है यदि किसी भी नंबर में हमें डेसिमल नहीं दिखाई देती है तो उसके लास्ट में डेसिमल होती है इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी हम डेसिमल्स इसके डेसिमल हम रिप्लेस करेंगे यदि हमने डेसिमल को यहाँ रिप्लेस किया दैट कन्वर्ट इन टू फोर्टी सेवन डेसीमल पॉइंट टू तो क्या ये नंबर वन एंड टेन के बीच में है आता है नहीं ये फोर्टी सेवन हो गया तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अब ये डेसिमल हम कहाँ पुट करेंगे फोर एंड सेवन के बीच में फोर पॉइंट सेवन टू क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है है क्योंकि फोर नंबर हमारा वन एंड टेन के बीच में आता है और साथ में क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है टेन रेज टू द पावर ऑफ कितनी जितनी कि हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है डेसिमल हमारे पास लास्ट में थी वन टू टू नंबर रिप्लेस किया इसलिए टेन रेज टू द पावर ऑफ टू दिस इज स्टैंडर्ड फ ऑफ़ गिवन नंबर इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इज इट क्लियर यदि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है और उसमें डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लास्ट में डेसिमल होता है उसे हम रिप्लेस करेंगे कहाँ तक जहाँ तक कि हमें ये जो डेसिमल है कहाँ रिप्लेस करना है वन एंड टेन नंबर के बीच में वन एंड टेन नंबर कहाँ है फोर कम्स बिटवीन वन टू टेन नंबर तो हमने इस डेसिमल को फोर के बाद में रिप्लेस किया है फोर पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ टू दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर नाउ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन करेंगे राइट फॉलोइंग्स नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास जो गिवन नंबर है हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे नंबर लिखेंगे टू एज इज इसके आगे जितने नंबर है उतने जीरो लगाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम प्लस का साइन ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर सेवन सेवन के आगे कितने नंबर है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर प्लस नाइन नाइन के आगे वन टू थ्री थ्री नंबर हैं इसलिए थ्री जीरो वन टू थ्री प्लस फोर फोर के आगे कितने जीरो हैं वन फोर के आगे कितने नंबर्स हैं वन टू टू नंबर हैं सो एड टू जीरो प्लस जीरो जीरो के आगे वन नंबर हैं सो एड वन जीरो प्लस फोर फोर एज इट इज लिखेंगे बिकॉज और के आगे कोई भी नंबर नहीं है नाउ इसे कन्वर्ट करेंगे हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेपरेट करके लिखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव बाई द साइन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन प्लस एज इट इज फेस वैल्यू सेवन and place value 1 2 3 4 1 2 3 4 by the sign of the multiplication plus 9 multiply 1 2 3 plus 4 multiply 100 plus 0 multiply जीरो मल्टीप्लाई टेन प्लस फोर मल्टीप्लाई वंस टाइम पे है तो इसलिए वंस लिखेंगे फोर की प्लेस वैल्यू कितनी है वंस यूनिट प्लेस वैल्यू इसलिए वंस से मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम सिंपलीफाई करेंगे टू वन टू थ्री फोर एंड फाइव टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ जितनी जीरो उतनी पावर्स वन टू थ्री फोर फाइव टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन टू थ्री फोर फोर प्लस नाइन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन टू थ्री थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ जीरो किसी भी नंबर के यदि पावर में जीरो है दैट इक्वल टू वन दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिस इज नाउ दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इस तरह हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है उसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में सेकंड क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये नंबर गिवन है सेम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है थ्री इट इज लिखेंगे जितने नंबर्स उतने जीरो ऐड कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स प्लस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव प्लस अगेन जीरो जीरो के आगे कितने नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फोर जीरो ऐड कर देंगे वन टू थ्री एंड फोर प्लस सिक्स सिक्स के आगे कितने नंबर्स हैं वन टू थ्री थ्री जीरो ऐड कर देंगे वन टू थ्री प्लस वन वन के आगे कितने हैं टू नंबर्स हैं इसलिए टू जीरो ऐड करेंगे प्लस नाइन नाइन के आगे कितने नंबर हैं वन नंबर है सो ऐड वन जीरो प्लस फोर एज इट इज बिकॉज फोर के आगे कोई भी नंबर नहीं है नाउ इसे कन्वर्ट करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेपरेट करके लिखेंगे बाय द साइन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन थ्री फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन वन टू थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव प्लस अगेन जीरो जीरो इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर 1, 2, 3, and 4. Plus 6. Face value multiply place value. Looking in. 1, 2, 3. 2, 3. Plus 1 is the face value. Multiply place value. 1, 2. Plus 9. Face value multiply 10. Plus 4. फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई टेन कितने टाइम्स रिपीट है टेन रेज टू द पावर ऑफ़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम सो टेन रेज टू दावर ऑफ सिक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव प्लस जीरो multiply 1 2 3 4 10 raised to the power of 4 plus 6 multiply 10 raised to the power of 1 2 3 plus 1 multiply 10 raised to the power of 2 plus 9 multiply 10 raised to the power of 1 plus 4 multiply टेन रेज टू दावर ऑफ जीरो पावर ऑफ जीरो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर वन का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दिस नंबर कन्वर्ट इन एक्सपेंडेड फॉर्म टू एज इट इज लिखेंगे जितने नंबर्स उतने जीरो पुट कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस साइन एड करेंगे फॉर दी एक्सपेंडेड फॉर्म नेक्स्ट नंबर इज एट वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नंबर के लिए हम फाइव जीरो पुट कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव प्लस जीरो जीरो के आगे कितने नंबर हैं वन टू थ्री फोर ऐड फोर जीरो वन टू थ्री फोर प्लस नंबर नेक्स्ट नंबर सिक्स सिक्स के आगे कितने नंबर हैं वन टू थ्री थ्री नंबर से जीरो वन टू थ्री नेक्स्ट नंबर इज वन प्लस वन वन के आगे टू नंबर हैं ऐड टू जीरो टू प्लस नाइन नाइन के आगे वन नंबर प्लस सिक्स सिक्स इज द लास्ट नंबर नाउ हम इसे कन्वर्ट करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेपरेट बाय साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लाई वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज फेस वैल्यू एंड दिस इज प्लेस वैल्यू सेपरेट बाई दाइन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन सेम साइन ऐड करेंगे प्लस इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे फेस वैल्यू वन लेस वैल्यू में बाई द साइन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर प्लस Six multiply one two three, one two three plus one multiply hundred plus nine multiply ten plus six multiply one two multiply ten मल्टीप्लाई सेल्फ कितने टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो टेन रेज टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस एट मल्टीप्लाई टेन वन टू थ्री फोर फाइव टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टेन कितने टाइम्स रिपीट है वन टू थ्री फोर सो टेन रेज टू द ऑफ फोर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन टू थ्री थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन टू टू टाइम्स रिपीट है सो टेन रेज टू द पावर ऑफ टू प्लस नाइन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन प्लस सिक्स मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ़ 0 डेट इक्वल टू 1. दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ़ दी गिवन नंबर एंड दिस इज़ अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर वन का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हमारे पास जो गिवन नंबर है इसे कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में. सबसे पहले हम लास्ट नंबर सेम लिखेंगे. वन एज इज रहेगा जितने नंबर उतने हम जीरो पुट कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव प्लस टू टू के आगे कितने नंबर हैं वन टू थ्री फोर सो एट फोर जीरो वन so, टू थ्री फोर प्लस नेक्स्ट नंबर इज जीरो सो जीरो लिखेंगे जीरो के आगे कितने नंबर हैं वन टू थ्री थ्री नंबर हैं सो एट थ्री जीरो वन टू थ्री प्लस नेक्स्ट नंबर इज सेवन सेवन के आगे कितने जितने नंबर उतने जीरो पुट कर देंगे वन टू टू नंबर हैं सो एड टू जीरो प्लस नेक्स्ट नंबर इज वन वन के आगे कितने नंबर है वन सो एड वन जीरो प्लस नाइन नाइन के आगे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे नाइन इसे हम कन्वर्ट करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू इज़ वन मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव प्लस टू मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर प्लस ज़ीरो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू वन टू थ्री ज़ीरो ऐड करेंगे प्लस सेवन प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई हंड्रेड प्लस मल्टीप्लाई टेन प्लस नाइन मल्टीप्लाई वन वन मल्टीप्लाई टेन कितने टाइम्स रिपीट है वन टू थ्री फोर फाइव टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव प्लस टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ वन टू थ्री फोर फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू द ऑफ वन टू थ्री थ्री प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द ऑफ वन टू टू प्लस वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द ऑफ वन प्लस नाइन मल्टीप्लाई वन की जगह हम क्या लिखेंगे

टू एज इट इज लिखेंगे जितनी टू के आगे नंबर उतनी हम जीरो पुट कर देंगे वन टू थ्री फोर सो ऐड फोर जीरो वन टू थ्री फोर प्लस जीरो के आगे कितने नंबर्स है वन टू थ्री सो ऐड थ्री जीरो वन टू थ्री प्लस अगेन जीरो जीरो के आगे कितने नंबर्स है वन टू सो ऐड टू जीरो वन टू प्लस नेक्स्ट नंबर है सिक्स सिक्स के आगे कितने नंबर हैं वन स्वेड वन जीरो प्लस एट अब इसे कन्वर्ट करेंगे इसे सेपरेट करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में बाय द साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। इसे सेपरेट करेंगे टू मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर जीरो लगा देंगे this is face value and this is place value plus 0 face value multiply place value 1 2 1 2 3 3 0 plus 0 multiply 100 2, 0, 1, 2 this is place value plus 6 is the face value multiply 10 place value plus 8 face value multiply 1 is the प्लेस वैल्यू इस तरह हमने कन्वर्ट किया गिवन नंबर को फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से बाय द साइन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन टू मल्टीप्लाई हेयर टेन रिपीट वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स सो टेन रेज टू दावर ऑफ फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ वन टू थ्री टेन रेज टू दावर ऑफ थ्री प्लस जीरो multiply 10 raised to the power of 1 to 2 plus 6 multiply 10 raised to the power of 1 plus 8 multiply 10 raised to the power of 0 that equal to 1 this is expanded form of the given number and this is our answer now exercise थर्टीन पॉइंट थ्री का हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास जो गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म है हमें इसका नंबर फाइंड आउट करना है कि किस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है सबसे पहले हम पावर्स चेक करेंगे क्या सभी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फोर थ्री टू वन जीरो यस सारी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और साथ में क्या इसमें कोई पावर मिसिंग है नहीं है इसमें कोई भी पावर मिसिंग नहीं है फोर थ्री टू वन जीरो ऑल पावर्स आर अवेलेबल नाउ इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ फोर मीन्स एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ फिर टेन रेज टू द पावर ऑफ फोर मीन्स टेन मल्टीप्लाई इट्स एल्फ फोर टाइम्स वन टू थ्री फोर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टेन Raised to the power of 3 means 10 multiply itself 3 times. 1, 2, 3. Plus 0 multiply 10 raised to the power of 2 means 10 multiply itself 2 times. Plus 4 multiply 10 raised to the power of 1 equal to 10. Plus 5 multiply 1 because 10 raised to the power of 0 equal to नाउ मल्टीप्लाई एट वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई वन टू थ्री सिक्स थाउजेंड प्लस जीरो को हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू जीरो प्लस फोर को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी प्लस फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इसे सिंपल ऐड करेंगे यूनिट नंबर इज फाइव फोर जीरो सिक्स एंड एट दिस इज द नंबर ऑफ दिस इज द नंबर ऑफ गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इसमें क्या किया सबसे पहले पावर्स चेक करेंगे क्या सभी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सभी पावर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देन हम चेक che करेंगे क्या कोई पावर मिस तो नहीं है यदि कोई भी पावर इसमें मिस होती तो उसकी जगह हम एडिशन करते टाइम जीरो पुट करते नाउ यहाँ कोई भी पावर मिस नहीं है सारी पावर सीरीज में है फिर हमें सिंपल इनको सिम्प्लीफाई किया एंड देन एड दिस ऑल नंबर्स दैट इज इक्वल टू दिस नंबर एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन एक्सपेंडेड फोम क्वेश्चन नंबर टू का हम सेकेंड पार्ट करेंगे फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टू प्लस टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ जीरो पावर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइव थ्री टू जीरो बट सम पावर्स आर मिसिंग है फाइव के बाद क्या आना चाहिए फोर फोर इज मिसिंग एंड थ्री के बाद टू एंड वन पावर वन इज ऑल्सो मिसिंग जो पावर मिसिंग है उसकी जगह हम क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे इसे सिम्प्लीफाई करेंगे फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव मीन्स टेन मल्टीप्लाई इट सेल फाइव टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 plus 5 multiply 10 raised to the power of 3 means 10 multiplied itself 3 times 1 2 3 plus 3 multiply 10 raised to the power of 2 means 10 multiplied itself 2 times 2 times plus 2 multiply 10 raised to the power of 0 means 10 raised to the power of 0 equal to 1 ना इसे मल्टीप्लाई करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव प्लस फाइव वन टू थ्री प्लस थ्री हंड्रेड प्लस टू नाव इसे ऐड करके लिखेंगे हम टू यूनिट नंबर है हमारे पास पावर वन मिसिंग पावर वन मिसिंग नंबर है इसलिए वन पावर के लिए हम जीरो ऐड करेंगे देन टू थ्री पावर टू का नंबर क्या है थ्री थ्री नंबर पुट करेंगे एंड फिर पावर थ्री है इसका इसका नंबर क्या है फाइव फाइव एज इट इज़ पुट करेंगे देन पावर फोर इज मिसिंग सो अगेन जीरो पुट करेंगे एंड पावर फाइव है तो इसका नंबर क्या है फोर फोर नंबर राइट करेंगे दिस इज द नंबर ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह जो भी हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स हैं कौन सी पावर मिसिंग है हम उस पावर की जगह जीरो वैल्यू पुट कर देंगे इस तरह हमें आंसर लिखने में आसानी होगी नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है इसे हमें इसका हमें नंबर फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे क्या पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यस पावर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बट सम पावर्स आर मिसिंग है कौन कौन सी पावर मिस है फोर के बाद कौन सी पावर आनी चाहिए थ्री थ्री पावर्स मिसिंग है और थ्री के बाद टू है लेकिन पावर वन इज ऑल्सो मिसिंग पावर वन ये टू पावर्स हमारे पास मिसिंग है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे जीरो नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू दावर ऑफ फोर मीन्स टेन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाईड फोर टाइम्स वन टू थ्री फोर प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज़ टू दावर ऑफ टू मींस टेन मल्टीप्लाइड सेल्फ टू टाइम्स वन टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ जीरो इक्वल टू वन थ्री को इसी मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी थाउजेंड प्लस सेवन हंड्रेड प्लस फाइव नौ इसे ऐड करने से पहले हम पावर्स मिसिंग पावर्स के लिए हम जीरो नंबर एड करेंगे फाइव इज द यूनिट नंबर राइट पावर वन इज मिसिंग सो पावर वन के लिए हम जीरो ऐड करेंगे पावर टू है इसलिए पावर टू का नंबर क्या है सेवन सेवन लिखेंगे पावर थ्री पावर थ्री का नंबर इज ऑल्सो मिसिंग सो पावर थ्री की जगह हम ऑल्सो जीरो ऐड करेंगे देन पावर फोर नंबर इज गिवन थ्री दिस इज दंबर ऑफ गिवन एक्सपेंडेड फॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमें नंबर फाइंड आउट करना है किस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पावर्स क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है है लेकिन कौन सी पावर मिसिंग है पावर फाइव के बाद क्या आनी चाहिए फोर पावर फोर इज मिसिंग पावर थ्री इज आल्सो मिसिंग टू गिवन है वन भी गिवन है लेकिन हमारा यूनिट नंबर नहीं है सो यूनिट नंबर की जगह इन पावर्स की जगह इस नंबर की जगह हम क्या जीरो क्या पुट करेंगे जीरो पुट करेंगे नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे नाइन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव मीन्स टेन मल्टीप्लाईड सेल्फ फाइव टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव प्लस टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ टू मीन्स टेन मल्टीप्लाईड सेल्फ टू टाइम्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई टेन टू द पावर ऑफ वन इट मीन्स टेन मल्टीप्लाईड सेल्फ वन टाइम इसे मल्टीप्लाई करेंगे नाइनटी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरो लगा देंगे वन टू थ्री फोर फाइव प्लस टू हंड्रेड प्लस थर्टी अब हम क्या चेक करेंगे कौन सी पावर्स मिसिंग है हमारे पास यूनिट नंबर नहीं है इसके लिए हम जीरो ऐड करेंगे फिर हमारे पास पावर टू है पावर वन भी है तो पावर वन का कौन सा नंबर है थ्री थ्री नंबर पुट करेंगे देन पावर टू का नंबर गिवन वन है टू टू लिखेंगे देन पावर थ्री मिस है इसलिए हम इसकी जगह क्या करेंगे जीरो एंड पावर फोर की जगह ऑल्सो ज़ीरो एंड देन पावर फाइव की जगह हम नाइन पुट करेंगे दिस इज द नंबर ऑफ द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म इज दैट क्लियर इसमें हमने क्या चेक करना है सबसे पहले हम पावर्स चेक करेंगे क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या वो सीरीज में है इसमें हमने चेक किया कि पावर फोर थ्री मिस है तो हमने वो अलग से रिटर्न किया और उसकी जगह हमने लास्ट में क्या पुट करना है जीरो एंड हमारे पास यूनिट नंबर भी नहीं है इसकी जगह भी हमने क्या पुट किया जीरो ना इसे हमने सिंप्लीफाई किया देन हमने क्या क्या चेक किया कि इसमें यूनिट नंबर नहीं है इसलिए हमने क्या पुट किया जीरो देन पावर वन है इसका नंबर कितना है थ्री थ्री लिखा हमने पावर टू का नंबर कितना है टू टू एज इट इज लिखा पावर थ्री एंड फोर इज़ आल्सो मिसिंग रिप्लेस बाय जीरो जीरो रिटर्न किया देन पावर फाइव की जगह हमने नाइन दिस इज दंसर एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे एक्सप्रेस दंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जो गिवन नंबर है इसे हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉम में स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या देखना है क्या गिवन नंबर वन और टेन के बीच में है और साथ में हमें क्या करना है टेन की पावर्स लिखनी है तो हमारे पास ये नंबर गिवन है फाइव इसमें नंबर फाइव गिवन है तो फाइव वन और टेन के बीच में आता है इसलिए ये हमारा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर्स लिखेंगे कितनी पावर्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन रेज टू दावर ऑफ सेवन दिस इज फॉर्म ऑफ गिवन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास जो गिवन नंबर है इसे हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेक करेंगे क्या ये नंबर वन से टेन नंबर के बीच में आता है नहीं ये वन से टेन से भी ज़्यादा है हंड्रेड से भी ज़्यादा है ये नंबर तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम इसे वन एंड टेन नंबर के बीच में कन्वर्ट करेंगे इसमें डेसिमल नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे जिस नंबर में डेसिमल नहीं होती उसके लास्ट में डेसिमल होती है हम इस डेसिमल को रिप्लेस करेंगे कहाँ रिप्लेस करना है हमें जहाँ नंबर वन एंड टेन के बीच में आता हो यदि हम यहाँ रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड एटीन ये भी ज़्यादा है यदि हम इस डेसिमल को यहाँ पुट करें थ्री पॉइंट वन एट देन ये जो नंबर हो जाएगा ये वन एंड टेन नंबर के बीच में आएगा एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ कन्वर्ट दिस थ्री पॉइंट वन एट सिक्स फाइव ये हमारे नंबर्स हैं और जो जीरो हैं इसे कन्वर्ट करेंगे टेन रेज टू दावर ऑफ हमें अब क्या करना है जितने हमने डेसिमल को जितने नंबर्स रिप्लेस किया उतने टाइम्स हम पावर से एड कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने टेन नंबर रिप्लेस किया दैट्स वाई इट इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टेन रेज टू पावर ऑफ नाइन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करती हूँ सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर है उसे हम देखेंगे क्या वो नंबर वन से टेन के बीच में आता है ये नहीं आता ये ज़्यादा नंबर है तो हम इसे क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यदि इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है तो हम लास्ट में डेसिमल एज्यूम करते हैं और उसे रिप्लेस करेंगे कहाँ तक जहाँ तक कि वन एंड टेन नंबर के बीच में नंबर्स आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे क्या इसे भी हम चेक करेंगे क्या ये नंबर वन एंड टेन के बीच में है नहीं है ये ज़्यादा है तो हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे वन एंड टेन के बीच में लिखेंगे कैसे लिखेंगे यदि किसी भी नंबर के बीच में डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट में डेसिमल होती है और उस डेसिमल को हम कितना रिप्लेस करें कि हमारे पास वैल्यू वन एंड टेन नंबर के बीच में आए तो हम इसे कहाँ रिप्लेस करेंगे हेयर थ्री पॉइंट नाइन जीरो एट सेवन एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर ऑफ कितने लिखेंगे जितने नंबर हमने डेसिमल को रिप्लेस किया वन टू थ्री फोर फाइव टेन रेज टू पावर ऑफ फाइव दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इस तरह हम गिवन नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे एंड दिस नंबर कम्स बिटवीन वन टू टेन नंबर टाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो गीवन नंबर है इसे चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें डेसिमल गिवन है क्या गीवन नंबर वन टू टेन के बीच में आता है नहीं ये ज़्यादा है इसलिए हम इसमें डेसिमल गिवन है इसलिए हम इस डेसिमल को कहाँ रिप्लेस करेंगे जहाँ इस डेसिमल को वहाँ रिप्लेस करेंगे जिससे कि नंबर हमारा वन टू टेन के बीच में आए यदि हम इस डेसिमल को यहाँ पुट करें यहाँ रिप्लेस करें दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट नाइन जीरो एट सेवन एट क्या अब ये नंबर वन टू टेन के बीच में आता है यस थ्री पॉइंट नाइन दैट कम्स बिटवीन वन टू टेन मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ कितने लिखेंगे जितना कि हमने डेसिमल को रिप्लेस किया वन टू थ्री फोर टेन टू दावर ऑफ फोर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गिवन नंबर है इसे हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या हम चेक करेंगे क्या गिवन नंबर वन टू टेन नंबर के बीच में आता है नहीं आता ये इससे ज्यादा है तो हम डेसिमल को इसमें डेसिमल गिवन है इसे डेसिमल को रिप्लेस करेंगे कैसे रिप्लेस करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो वन एंड टेन के बीच में आ जाए यदि हम इस डेसिमल को यहाँ पुट कर दें थ्री पॉइंट नाइन दिस नंबर कम्स बिटवीन वन टू टेन नंबर पीछे एज इट इज लिखेंगे जीरो एट सेवन एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ जितने नंबर्स हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है उतने टाइम्स हम पावर में पावर्स लगाएंगे टेन रेज टू द पावर ऑफ वन टू थ्री टेन रेज टू दावर ऑफ थ्री आंसर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है बट इन स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था कि हमारे पास नंबर्स गिवन थे और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था नाउ नंबर्स आर इन स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन हमारे पास डिस्टेंस गिवन है अर्थ एंड मून के बीच की हम इसे एज इट इज लिखेंगे डिस्टेंस को थ्री एट फोर मा वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री जीरो नाउ कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड फोम हमें डेसिमल पुट करनी है यदि हम डेसीमल यहाँ पुट करें थ्री पॉइंट एट फोर टू थ्री जीरो वन टू थ्री जीरो नाउ दिस नंबर कम्स बिटवीन वन टू टेन नंबर दिस इज स्टैंड नंबर थ्री पॉइंट एट फोर मल्टीप्लाई एन रेज टू दावर ऑफ जितने नंबर हमने डेमल को रिप्लेस किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एन रेज टू दावर ऑफ एट मीटर दिस इज स्टैंडर्ड फॉम एंड दिस इज यंसर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया सेम हमने जितनी डिस्टेंस गिवन थी उसे एज इट इज लिखा और हमने इसमें कोई भी डेसिमल नहीं था यदि किसी के नंबर के बीच में डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है और उस डेसिमल को कहाँ तक रिप्लेस करना है वन टू टेन नंबर के बीच में हमने डेसिमल को यहाँ पुट किया दिस नंबर कम बिटवीन वन टू टेन थ्री पॉइंट एट फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ जितने डेसिमल जितने की हम डेसिमल रिप्लेस करेंगे पावर्स में उतना ही नंबर हमें लिखना है मीटर में है सो मीटर में आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर का भी पार्ट है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज गिवन मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम में स्पीड की लाइट की स्पीड गिवन है हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है नाउ हम इसे एज इट इज लिखेंगे नाउ कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड फॉम यदि हम डेसीमल यहाँ रिप्लेस करते हैं थ्री पॉइंट जीरो जीरोन दिस इज स्टैंडर्ड नंबर थ्री पॉइंट ज़ीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ जितने नंबर हमने डेसीमल को रिप्लेस किया है थ्री सिक्स सेवन एट टेन रेज टू दावर ऑफ एट मीटर पर सेकेंड दिस इज स्टैंडर्ड नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन इसमें क्या डायमीटर ऑफ द अर्थ गिवन है वन टू सेवन फाइव सिक्स एंड ट्रिपल जीरो यदि हम फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में डेसिमल पुट करें वन पॉइंट टू सेवन फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो ना दिस नंबर कम्स बिटवीन वन टू टैन एंड वन टू टेन नंबर इज दिस दिस नंबर कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड फॉम वन टू सेवन फाइव सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ कितने जितने की हमने डेसिमल को रिप्लेस किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन रेज टू द पावर ऑफ सेवन यूनिट सेम लिखेंगे मीटर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेटमेंट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी पार्ट है डायमीटर ऑफ द सन इज गिवन इसमें सन का डायमीटर गिवन है हम सेम नंबर लिखेंगे फोर कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ यदि हम फर्स्ट टू नंबर के बीच में डेसिमल पुट करें

raised to the power of 9 this is standard form of given number meter and how can we read this number by the standard form 1.4 multiply 10 raised to the power of 9 meter answer question number 4 ka. next part hai. in a galaxy there are on an average स्टार्स गैलेक्सी में एवरेज स्टार्स इतने गिवन हैं। नाउ दिस नंबर राइट एज इट इज यदि हम फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में डेसिमल बुट कर दें वन पॉइंट जीरो नाउ दिस इज स्टैंडर्ड नंबर वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर ऑफ जितने नंबर हम हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है टेन रेज टू पावर में उतने नंबर हम लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टेन रेज टू पावर ऑफ इलेवन वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू द पावर ऑफ इलेवन स्टार्स

दिस नंबर कम्स बिटवीन वन टू टेन नंबर वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ जितने नंबर हमने डेसिमल को रिप्लेस किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू दावर ऑफ टेन ईयर्स इज स्टैंडीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ टेन ईयरस नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट है दिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम देंटर ऑफ द मिल्की वे गलेक्सी डिस्टेंस गिवन है कहां से सेंटर ऑफ मिल्की वे गिवन नंबर तो हमें इस नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में नाउ राइट दिस नंबर एज इट इज थ्री हंड्रेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स ट्रिपल जीरो Now put the decimal first two numbers 3.0 थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ जितने नंबर हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है टेन रेज टू दावर ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टेन रेज टू दावर ऑफ ट्वेंटी मीटर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर

मा थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम हमें ट्रिपल जीरो करनी है नाउ पुट डेसिमल बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री जीरो नाउ दिस नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ कितने जितने की हमने डेसिमल लास्ट में थे और कितने नंबर रिप्लेस किया है उतने के हम पावर्स में लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू टेन रेज टू दावर ऑफ ट्वेंटी टू दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर आंसर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज टू दावर ऑफ ट्वेंटी टू नाउ क्वेश्चन नंबर फोर कनेक्स पार्ट है अर्थ हैज इतने किलोमीटर्स ऑफ सी वाटर नाउ दिस नंबर कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म वन एज इट इज लिखेंगे फाइव थ्री यदि हम फर्स्ट नंबर फर्स्ट टू नंबर के बीच में डेसिमल पुट करें देन दिस नंबर कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वन पॉइंट थ्री फाइव थ्री वन पॉइंट थ्री फाइव थ्री मल्टीप्लाइंग टेन रेज टू द पावर ऑफ जितने की हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अरेज टू दावर ऑफ नाइन क्यूबिक किलोमीटर यूनिट एसिट इज लिखेंगे किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर आंसर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर एंड दिस इज अवर आंसर